अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता जितने आप लोगों ने सवाल भेजे हैं उतने सवाल हम कैसे इस पॉडकास्ट में सारे कर सकेंगे, क्योंकि सुपर हीरोज़ का जहाँ पे जिक्र आता है इनका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। पाकिस्तान की सोल सुपर स्टार कवल अहमद इज़ हियर विद अस। हाउ आर यू कवल? गुड, हाउ आर यू? वी आर फाइनली गुड। डूइंग दिस। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस विद शहजाद। आज हमसे बातें की जाएंगी। फॉर पीपल हु डोंट नो, शी इज द फाउंडर ऑफ द फेसबुक ग्रुप सोल सिस्टर्स, और अब इनकी एक सीरीज भी आ रही है कॉन्वर्सेशंस विद कवल। तो पहले आप क्या बात करना चाहेंगी, पहले हम सोल सिस्टर्स करें या कॉन्वर्सेशंस विद कवल करें? आई थिंक वी कुड डू सोल सिस्टर्स, क्योंकि सोल सिस्टर्स पहले आया था। कैसे आया? सबसे पहले तो सबका एक जो वो बोरिंग सा सवाल होता है, कैसे आपने सोचा सोल सिस्टर्स का नाम? I've literally answered this question in every interview, I think. Yeah, so at that time मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, back in 2013. मेरा मेकअप का ग्रुप भी होता था फेसबुक पे, और उस पर हम अक्सर बातें करते थे अबाउट सोशल इशूज या जो भी, यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेकअप किसी का कर रही हूँ एंड शी इज अबाउट टू बी, इट्स अ वेडिंग नाइट, तो अक्सर एक बहुत वल्नरेबल सा मोमेंट होता है वो, जब आपका आखिरी कुछ घंटे होते हैं एज अ सिंगल पर्सन, यू आर अबाउट टू लीव फॉर द वेडिंग हॉल, एंड आपकी जो मेकअप आर्टिस्ट होती है शी इज लाइक द लास्ट पर्सन यू काइंड ऑफ टॉक टू बिफोर यू लीव। तो अक्सर ऐसी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती थी कि जी तो फिर आपने क्या किया, अच्छा तो मेरा ये मसला आ गया था, आपको पता है आज ये हो गया, मेरा ड्रेस रिटर्न करना पड़ा था, जो भी, या मेरे ससुराल वालों ने इस तरह से पंगा डाल दिया था। सो दैट मेड मी थिंक यार, हाउ, वाई आर दीज पीपल टॉकिंग टू मी, लाइक इनके पास और कोई लोग नहीं है जो इनकी बात सुन रहे हैं, एंड उसके अलावा ग्रुप पे भी, क्योंकि जब मेकअप की बात होती थी, शादी की बात होती थी, तो 10 और क्वेश्चंस आते थे कभी, यू नो, दे वुड समटाइम्स बी अबाउट पर्सनल इशू, समटाइम्स दे वुड बी मोर अबाउट सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि भाई इस तरह से क्यों होता है कि सिर्फ लड़की को ही, लड़की के साथ ही ऐसा क्यों होता है, व्हाई नॉट द गाय, व्हाटएवर। खैर, तो एक दिन रैंडमली, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर, मैंने कहा कि यार तुम लोग पूरे वक्त इस ग्रुप पे बातें करते रहते हो, ये ग्रुप मैंने ब्यूटी के लिए बनाया था, क्वेरीज के लिए, तो हम किसी और ग्रुप पे जाके बात करते हैं। एंड आई लिटरली जस्ट मेरे नाते ग्रुप, मैंने वहां लंबा सा एक पोस्ट डाला अबाउट माय ओन लाइफ, और फिर वो ग्रुप चलना शुरू हुआ। एंड आई विल टेल यू समथिंग, जब मैंने वो ग्रुप बनाया था ना सोल सिस्टर्स, तब वो मेरा एक साइड पे, मैंने कहा था यार इसको मैं, क्योंकि माय बिजनेस एज अ मेकअप आर्टिस्ट वाज फ्लरिशिंग, मैं मेकअप क्लासेस रखती थी, वो सोल्ड आउट हो जाती थी विद इन आवर्स, मेरे इतने क्लाइंट्स होते थे, मैं रियाद या बहरीन से फ्लाइन करके आती थी जस्ट टू केटर टू माई क्लाइंट्स, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन द मिडल ईस्ट एट दैट टाइम, और बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने कहा यार ये साइड पे जो ना बार बार ये लोग ये वाली बातें स्टार्ट करते हैं, बहुत तंग करते हैं ये लोग अपनी पर्सनल बातें करके मेरे मेकअप। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन कि यार इट, देयर इज अ नीड फॉर दैट स्पेस, इट नीड्स टू एग्जिस्ट, तो अगर कोई नहीं बना रहा तो मैं तो एटलीस्ट बना तो दूं, लेकिन वो उसको मैंने इतना फोकस नहीं दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये अचानक से इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि मैं बाकी सब चीजें साइड ट्रैक कर दूंगी। बट व्हेन वी वेंट ऑन सोल सिस्टर्स एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेक्स एड जो कभी भी नहीं मिलती, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर टैबूज अराउंड यू नो बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान, एंड इस तरह की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई कि वो, इवन द ग्रुप छोटा सा था, बट पीपल आउटसाइड ऑफ द ग्रुप वर टॉकिंग अबाउट इट, दे वर लाइक अरे सुना है वो गंदी गंदी बातें करती है लड़कियां सोल सिस्टर्स पे बैठ के, या ओ माय गॉड हैव यू हर्ड ऑफ दैट ग्रुप, दे आर लाइक सो ओवर द टॉप, पता नहीं क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं। एंड देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मीम्स दो चार जगहों पे लग गए थे, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग द ग्रुप कि ये है क्या, और एक साथ मुझे ना फ्लड ऑफ रिक्वेस्ट आना शुरू हुई कि दिन के हमें 9,000 लोग रिक्वेस्ट भेजे, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि मैंने सोचा था यार एक छोटा सा स्पेस होगी, क्लोज्ड ग्रुप होगा, और इसमें वी, बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट लॉट ऑफ पर्सनल थिंग्स, तो इसको बहुत हमें सेफ रखना होगा, वी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी इसके बाहर ना बात ना करे। खैर, दैट लाइक दैट प्लान वन डाउन द ड्रेन, एंड बट एट द सेम टाइम आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, सो इफ वी वर गेटिंग लाइक 9,000 रिक्वेस्ट इन अ डे, आई वुड अप्रूव अराउंड 200-300 एट मैक्स, बाकी सब रिजेक्ट हो जाती थी। We would be very careful कि सिर्फ people who have either mutuals inside the group or who have been referred get to come in, क्योंकि I really wanted to grow the space slowly. I didn't want कि अचानक से मेरे पास I have more on my plate than I can manage. ये बहुत मुश्किल काम है, right? So how do you even gauge, right? Mutuals सब तो clean hands से नहीं आते. You've probably experienced that being the moderator.
तो ये क्या, इट्स जस्ट लाइक अ बेट के इसके कोई दोस्त हैं तो ये सही इंसान होगी, इसको एक्सेप्ट कर लो. एंड डिड यू डू दैट पर्सनली, गोइंग थ्रू ऑल दोस 9000 प्रोफाइल्स एवरी सिंगल डे? या इनिशियली मेरे पास बिल्कुल भी मॉडरेटर्स नहीं थे. सो व्हाट वुड हैपन इज, देखें ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप कभी भी किसी की इंटेंशंस नहीं गेज कर सकते, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल से कि ओ अब हमारी पोस्ट लीक हो जाती है बिकॉज ग्रुप इज लाइक 280,000 नाउ. बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीवन कि इवन जब ग्रुप में 2,000-5,000 लोग थे तब भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे. बिकॉज इवन अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है चार दोस्तों का, उसमें से भी बात निकल जाती है, उसमें भी पंगे होते हैं. सो इट्स समथिंग दैट स्टेड टिल, यू नो, आई रिमेम्बर कि जब बीच में अराउंड 2017, when Soul Sisters was really like bursting, बहुत ज्यादा उसके बारे में बातचीत हो रही थी, तो एक बहुत पॉपुलर ब्लॉगर ने भी एक ब्लॉग बनाते थे, उसमें बड़ा मजाक उड़ाया था ना कि ये औरतें होती हैं और वो ये बात करती हैं और फिर वो सास बहू की बातें करती हैं, ब्ला 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 ब्ला. और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया था, बिकॉज यू नो, एक तो आई वॉज यंग, मुझे समझ नहीं आता था कि वाई आर वुमेन बींग टारगेटेड जस्ट बिकॉज दे हैव अ community for themselves. This is the first time that there is a group for women to sit and talk and not talk about like random things but talk about important things that matter to them jo koi aur nahi sun raha. To kyun iske bare mein ek acha khasa, wo already popular insaan hai, wo kyun hamare bare mein is tarah se baat kar rahe hain? So the point is ki aapko kabhi nahi pata hota ki kaun kisko jaake kya bolta hai, kya information feed hoti hai. Bahut si misinformation bhi nikalti hai, keh rahe pata hai is group mein ye bhi hota hai, ya do you know that these people are, like some people think it's too regressive, some people think it's too progressive. To hum forever ya to misinformation fight karte rahe ya fir hum apne track pe rahe and we try to make a difference, you know, the best way we can. Aapse baatein karke mujhe ye idea ho raha hai kyunki mujhe ab lag raha hai main bahut hi zyada liberal ho gaya hu. क्योंकि मेरे सर्कल्स में क्रिटिसिज्म ये आता है कि बहुत रिग्रेसिव है एंड यू आर लाइक, लोग कह रहे हैं बहुत प्रोग्रेसिव है. एंड नाम नहीं लेते, आई थिंक अच्छा नहीं लगता, बट पॉपुलर व्लॉगर जो भी है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस एंड रिएक्शंस. आपका इफ समवन कॉल्स द ग्रुप रिग्रेसिव, तो फिर दे नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड चेक देयर प्रिविलेज. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड आई विल टेल यू व्हाई. अगर 280,000 लोग हैं एक ग्रुप पे या इवन 40,000 हैं एक ग्रुप पे, दे कांट ऑल हैव द सेम ओपिनियंस, ठीक है? दे कांट ऑल, अगर आप एंड स्पेसिफिकली अगर वो एक पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको बहुत सी चीजें अनलर्न करनी होंगी एंड दैट्स व्हाई दिस स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर देम टू इंटरैक्ट विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. अगर हम सिर्फ एक ही माइंडसेट के लोग होंगे तो वो तो एक एको चेंबर बन जाएगा, फिर हम सब वो एक ही बातें करते रहेंगे कि भाई ये पार्टी ये वो ये. बट इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड द अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एंटायरली डिफरेंट, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट इनिशियली, लेकिन आफ्टर अ वाइल देयर विल कम द नेक्स्ट स्टेप वेयर देयर विल बी रेजोल्यूशन. और ये मैंने देखा है अपनी लाइफ स्पैन में इन सोल सिस्टर्स पाकिस्तान. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो शुरू में लाइक मे बी 2 years अगो दैट पीपल हैड अ हार्ड टाइम डिस्कसिंग. और कल फॉर एग्जांपल टॉक्सिक पेरेंटिंग, 2 साल पहले इस टॉपिक पे ग्रुप पे बात स्टार्ट हुई थी और काफी हंगामा हो गया था कि नहीं, इस पेरेंट्स को टॉक्सिक बोल ही कैसे सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता. कल फिर से देयर वाज अ कन्वर्सेशन अराउंड दिस एंड आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी द कमेंट्स कि लोग इस बात को एक्नॉलेज कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, और एटलीस्ट दे वर रेडी टू डिस्कस इट. एंड अगेन सोल सिस्टर्स हैज आल्सो सीन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट, इट बीइंग पॉपुलर विद अ वैरायटी ऑफ क्राउड्स. सो द इनिशियल इयर्स देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु यू नो फॉर एग्जांपल यू वुड प्रोबेबली कैटेगराइज एज वेरी लिबरल. फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग भी आए जो बहुत कंजर्वेटिव थे. और फिर you know these people all coming together and being in a space where they only look at each other as women and as people who may or may not have the same problems, that's what really matters, right? For them to understand ki yaar sometimes we just need to put our differences aside and just look at each other as women and create a sisterhood. I think duniya ka sabse mushkil kaam hai safe space create karna, aur sabse zaruri kaam bhi hai for people to feel safe talking about something. ये जो लाइन है बहुत मुश्किल है टो करना, एंड आई एम श्योर मिस्टेक्स हैव बीन मेड, आई मीन ऑल ऑफ अस हैव मेड मिस्टेक्स. अगर कोई लाइक लिबरल बात कर रहा है या जब फॉर इंस्टेंस टॉक्सिक पेरेंटिंग आपने जिक्र किया, अगर कोई कह रहा है कि यार मेरे माँ बाप टॉक्सिक हैं,
और नीचे शेमिंग आ रही है या गालियां आ रही हैं या आ रहा है कि तुम्हें तो, या इवन अगर कोई कुरान की आयतें लोग दे रहे हैं, डू यू लेट दैट बी कि यार ये लोग आपस में सॉर्ट करके इसको आगे बढ़ जाएंगे? लाइक व्हेन डू यू डिसाइड कि यार नहीं अब ये शेम हो रही है या अब ये बुली हो रही है फॉर शेयरिंग समथिंग एंड आई नीड टू स्टेप इन? That's a very good question. Because, it was initially very difficult to figure this part out. Soul Sisters, like I said, was the first group to do this. So I had to be the first one to understand how to implement certain rules. For a lot of people who came after, they had the benefit ki mere saath jo na main sare experiments kar chuki thi, mere upar sara gussa bhi nikal chuka tha, to unko ek to logon ne bahut aasani se unke rules ko accept kiya. पहले जब मैं रूल्स फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करती थी, लोग कहते हैं अरे बड़ी आई एडमिन बनने, लाइक व्हाई इज शी इम्प्लीमेंटिंग रूल्स, दिस इज अ ग्रुप, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट इन इट. बट इट टुक अ व्हाइल, राइट? सो देयर टू थिंग्स दैट वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इन सोल सिस्टर्स. एक तो ये है कि नो पॉलिटिक्स नो रिलीजन एट ऑल. इट डजंट मैटर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू, बट यू आर नॉट अलाउड टू प्रीच इन द कमेंट्स. आप किसी को आके ये नहीं कह सकते कि हमारे रिलीजन में ये अलाउड नहीं है. Because you don't know what the person who is posting, like what faith or what school of thought he belongs to, she belongs to. The second thing is ke criticism ek cheez hoti hai aur ek cheez hoti hai badtameezi. So if someone is writing something like get lost, your post is bekar, or oh my god, this is just so, this was like the worst thing I've read this morning, that does not qualify as criticism. Or if someone is being a rape apologist, or victim blaming ke, oh, you know, like if we're talking about, let's say, sexual harassment, someone's saying ke, ha, but you know, aajkal girls are so out there and they're wearing such clothes, so this was bound to happen at some point. So if somebody writes something like that, they are instantly muted. So Facebook, maybe over time, and because I was part of the fellowship, I got a chance to really sit with them, their engineers, and tell them ke, you know, these are the features I want to see on my group. I don't want to block people right away. I want to give them a chance, but I don't want them to also be able to comment. So, you know, giving them feedback like that helped them develop tools for us. So, for example, ab ek tool hai ki aap, rather than blocking, you can also mute people for 28 days or 14 days. Yeah. So they still get to be in the group, but wo kuch bhi nahi kar sakte, na post kar sakte, na comment kar sakte. But it gives them a chance, right? It gives them a chance to reflect on what they said and understand ki yaar, dekho, और भी तो लोग हैं ग्रुप में. There are 280,000 more women on the group and they're all able to stay. So मुझे क्यों मैं क्यों वो हुई, like why was my commenting turned off? पहले क्या होता था कि because there was no other option, and if somebody is, for example, being extremely aggressive or if they've broken the rules, we had to remove them. And then there would be a whole process that they would write to us and be like, oh, you know, I'm sorry and I understand now. वो एक महीने बाद जाकर को realization होती है, because sometimes, you know, people don't even realize. It's just conditioning and it's just the way they are. कि वो कभी कभार कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं that they regret later. So yeah. Yeah, there are a lot of these food groups. जिनके जो एडमिन्स हैं वो अपना फीफडम समझते हैं उस फूड ग्रुप को, एंड देन मैं भी एक दो से निकाला गया हूँ इसी वजह से, बिकॉज आई थिंक जो वहाँ के एडमिन है उनको लगता है कि हमने खाने का ग्रुप बनाया है तो अब हम सारे रेस्टोरेंट हम ही ओन करते हैं शहर के. एंड देन आफ्टर वाइल पीपल आर लाइक, वेट, ये सिर्फ अपने दोस्तों के रेस्टोरेंट प्रमोट करने ग्रुप बना है. तो हाउ specifically in terms of creating a safe space, या जो लोग सोच रहे हैं कि हमने भी बनानी है और सोचना है, do you let it be? It's like parenting के, but मेरा बच्चा अब ये जाएगा, मरेगा भी, मरेगा नहीं अल्लाह करे, but like अल्लाह ना करे, sorry, but अगर चोट भी लगे तो you need to let go of certain things, or do you decide कि यार कि maybe 2015 में हम certain conversations के लिए तैयार नहीं थे, तो ये posts अभी ना आए. Maybe 2021 we're ready for these conversations, but initially, I'm assuming it's moderated where you approve every post, right? Yeah, so we turned on, I think, post approval a few years ago, and we did that because bahut zyada volume aata hai post ka, 2000 posts almost sometimes per day. And what that leads to sometimes is also spam. So like somebody will post 50 live sessions of her clothes, selling clothes. So in order to curtail those kind of things, we have to moderate the posts. And now we have done that we approve 100 or 80 to 100 of the top posts a day.
क्योंकि द अदर थिंग इज कि देयर आर बिटवीन 2 टू 6 मिलियन कन्वर्सेशंस ऑन सोल सिस्टर्स एवरी मंथ. सो बियॉन्ड द पोस्ट माय टीम आल्सो हैज टू मॉडरेट द कमेंट्स, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट अ ब्लॉग और अ पेज कि भाई किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि कमेंट्स में क्या हो रहा है. वी वांट टू मेक श्योर कि कमेंट्स में भी किसी को कोई अनसेफ, नोबडी इज फीलिंग अनसेफ, राइट? सो सॉरी, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल, सो द कन्वर्सेशंस वर यू 2015 में, वर यू कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द रिवर थोड़ा, या वर यू लाइक डैम जब बर्स्ट होगा होगा, मेरा कोई लेना देना? उस वक्त तो कोई मॉडरेशन भी ऑन नहीं हुई थी as far as I remember. और 2015 में मेरी बेटी भी, I just had my daughter, so I was in a very like I was in a position where I was, you know, going through a lot in my own personal life. Like when you have a kid and it's your first kid, you're just, there's tons of other things. 2015 I'd also just completely stopped working as a makeup artist. I took my last client I think sometime around June. Because I decided ki yaar, the Soul Sisters is what I want to do full time, even if, you know, it's I have to leave like a whole business behind, but I just want to focus on this. So yeah, there was a lot of things happening with me. Lekin us zamane mein I kind of remember bahut zyada there was a very like there was a certain kind of crowd on the group that did talk about a lot of progressive things. And if you like go back into the archives of the group, to it was not because bahut hi kam log the, mostly jo log add hue the wo add hue the dusre group se ya phir mere apne friend circle mein se ya mere school or college se. To wo the conversations did not really have to be that strictly moderated, to be very honest, because itne log the hi nahi, aur jo log the wo aksar ek dusre ko kahin na kahin se jante the, to somewhere or the other they would be able to reconcile the differences. इसमें ऑल्सो द कॉन्वर्सेशन लीकिंग पार्ट, आई थिंक इट्स ग्रेट, आई थिंक इट्स फिनोमिनल. दिस इज हाउ यू नो कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव टू गेट थ्रू, और इतने सारे लोगों ने एसेज भेजे हैं अबाउट सोल सिस्टर्स दैट आई एम कीपिंग इनटू कंसीडरेशन. मैंने उस चीज़ का भी मजाक नहीं उड़ाया कि शादी से पहले दुल्हन मेकअप आर्टिस्ट से पूछ रही हैं कि हमारे आखिरी गम क्या है, प्लीज बता दो कवल, हम भाग जाए ना. नहीं 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 प्लीज, आपने भागना नहीं है कवल, प्लीज बता दो, मैं नहीं करना चाह रही कवल, मैं भाग रही हूँ. No, yeah, I clearly remember even when I was getting married, there were a lot of things that I discussed with my makeup artist at the time. Mujhe yaad hai ke main, because you know you're thinking so many things, even something as simple as do I look okay, because you're feeling so vulnerable in that moment ki yaar main, this is like, this is the moment. To wo ek bahut hi you know, it's kind of like the really again vulnerable. Koi bhagi hai kisi ne hua hai ki makeup karte hue phone aaya, हाँ शाहरुख मैं आ रही हूँ बाहर दो मिनट. नहीं शुक्र है ऐसा मुझे कुछ नहीं डील करना पड़ा, वरना मुझे आके मारे पिटती. सो ये बहुत आप अच्छा करती हैं, कॉन्वर्सेशंस लीक नहीं होने देती हैं, एंड अपेरेंटली यू आर आल्सो वेरी लाइक यू पुलिस दैट वेरी हेविली कि अगर कोई लीक करे तो यू आर लाइक आई ट्राई माय बेस्ट, मैं तेरी आईपी ट्रेस करके छोड़ूंगी. या वो तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन अनेस्ट माय हस्बैंड, डोंट टेल देम दिस, डोंट टेल देम दिस, टेल देम दैट यू डू दिस. हां मैं आती हूं लोगों के पीछे आती हूं मैं. वो आप बहुत अच्छा करती हैं, बिकॉज अगेन लाइक सेफ स्पेस कैसे क्रिएट होगी इफ पीपल फील लाइक के आईडीज लीक हो जाएंगी. बट अनम लोधी का भी एक अच्छा सा सवाल था कि व्हाई डोंट यू लेट स्टोरीज बीइंग सोर्स्ड, इज इट बिकॉज़ कि वो आई थिंक शी इज कमिंग फ्रॉम न्यूज पर्सपेक्टिव, शी वर्क्स फॉर न्यूज़पेपर, शी इज लाइक व्हाई डोंट यू लेट स्टोरीज बी सोर्स्ड फ्रॉम सोल सिस्टर्स, इज इट कि यार वो कंटेंट बना देंगे उन स्टोरीज का, इज दैट द फियर? So the thing is, Soul Sisters is not, you know, a lot of news agencies and a lot of media houses have assumed several times in the past that ये एक वो platform है जहाँ ये आएंगे, लोगों को contact करेंगे और stories उठा के ले जाएंगे. But this is not a platform for, you know, publications specifically those जिनकी मुझे values का कोई अंदाजा नहीं है, कभी कुछ लगाया होता है, कभी कुछ लगाया होता है, कभी कुछ clickbait बेच रहे होते हैं. वो इस प्लेटफॉर्म पे आके दे यूज इट एज जस्ट अ प्लेस दैट दे कैन टेक आउट स्टोरीज, दैट्स एक्चुअली वेरी एक्सप्लॉइटेटिव इफ यू थिंक अबाउट इट, कि मैं बैठ के इसको चला रही हूँ, इतना मॉडरेट कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, और ये लोग आए ऊपर से कि हाँ भाई आज की स्टोरी में ना 10,000 लाइक्स आ गए, चलो इसको अपने अखबार में छाप देते हैं. सो आई लुक एट इट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. आई ऑलवेज वेलकम कोलैबोरेशंस इफ यू नो media house or if some publication wants to collaborate and we can do maybe a series together or we can work together. I remember ki even with conversations with Kaval, every time you know there's months of research that goes into each season.
So like I sit, we interview people, we look up stories, we do the background, everything. Hum puri uski storyline banate hain. Because see, when someone comes to your show, they come with several stories or they come with a whole life journey. Jaise main bhi aayi hu, I have 50 things to share with you. लेकिन आप उस चीज पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट पिकअप करते हो एंड यू से कि यार मुझे इस इशू पे सबसे ज्यादा डिटेल में ना बात करनी है, फिर उस हिसाब से आप पूरा क्यूरेट करते हो कंटेंट. फिर यू नो एवरी टाइम वी रिलीज एन एपिसोड एंड इफ इट गॉट सम सॉर्ट ऑफ वायरलिटी, दैट पर्सन वुड बी गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट लोकल एंड सम इंटरनेशनल मीडिया पब्लिकेशंस कि यार आप आ जाए हमारे पास भी ना यही वाली स्टोरी आके सुना दे, व्हिच इज ग्रेट, लाइक टेक इट फॉरवर्ड, बट एट लीस्ट हैव द डिसेंसी टू डू योर ओन एफर्ट्स राइट टू गेट देयर. And Anam is a great writer. Anam ne to kaafi stories likhi bhi hain on and around Soul Sister. So this is not for her, but I'm just telling her ki yeah, that's why we're wary ki hum kiske saath kaam karte hain. At the end of the day, I also don't want the women on Soul Sisters on or on Conversations with Kaval to feel like they've been exploited, because not everybody will have the same protection and the values that we have. Ki jab hamare show pe koi aata hai, to they feel safe. That's why they're able to tell those stories. Now I cannot guarantee ki agar मेरे थ्रू वो लोग किसी थर्ड पार्टी के शो पे जाएंगे तो वहां पे उनके साथ क्या हशर किया जाएगा, या पीछे कोई बैकग्राउंड फजूल म्यूजिक बजा दिया, या किसी जर्नलिस्ट ने कोई फजूल सवाल पूछ दिया, यू नो दे विल बी लाइक कवल आपने मुझे कहाँ पे रेफर कर दिया था. सो जस्ट टू काइंड ऑफ लाइक आई ऑलवेज रेकमेंड दिस टू सो मेनी पीपल के आई मीन अ लॉट ऑफ यू नो न्यूज़पेपर्स दे हैव द अपॉर्चुनिटी एंड द इंटरनेट इज ओपन टू देम टू ओपन देयर ओन ग्रुप्स, बनाए ग्रुप्स चलाएं और फिर निकालें उस पे से if they want to just come and extract stories right at the end of the day, because I feel like that's sorry, go ahead. Nahi main waise hi galat saaf kar raha tha, go for it. No, but I was just saying that's a very like narrow way to view a community. Hum ek community chala rahe hain, hum koi maal nahi bech rahe ki bhai aaiye hum aapko you know ek story bech ke dete. It doesn't kind of work like that. एंड उसमें लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर कोई कहे कि जी कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट तो है, हम पेरिफरी में एक दूसरे को जानते हैं, कुछ हम ग्रुप में बातें करते हैं, आई थिंक पर्सनल हमारी ये पहली कॉन्वर्सेशन है, बट फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई हैव गेज यू आर वेरी केयरफुल अबाउट दीज ब्रांड्स. सो देयर सर्टेन ब्रांड्स इस तरह कोई फेयरनेस प्रमोट कर रहा है, यू आर लाइक ये कोई सीन नहीं है इन ग्रुप में, द ब्रांड ऑल्सो हैव टू हैव सर्टेन एथिक्स टू बी प्रमोटेड इन सोल सिस्टर्स. Yeah, unfortunately, maine since the very beginning, I've written a lot of stuff about different brands. And you know, you've been in the same space as me. So you know ke all the companies and all these people are like associated with each other. So jab aap ek brand ke baare mein baat kar rahe hain, usi company ka dusra brand hai, wo bhi kahega ki yaar, main tum is bandi ke saath kaam nahi karna. Chahe tum beshak chai kyun na bech rahe ho, lekin isse mere brand ke baare mein na, kal likh diya tha ki fairness creams are, you know, promoting these values, blah, blah. So, Unilever to nahi karta promote basically. I mean, the point is that yeah, mujhe like for me, I left a whole business behind to start Soul Sisters. I was doing great. Mujhe if I mean, we all know how well makeup artists do in this country. I mean, look at the ones who are har gali mein parlor hai, har gali ka parlor acha chal raha hai, right? So I left all of that to do this. So why would I now compromise my jo meri apni values hain just because I have to sell another product? I'm okay with doing a fewer collaborations, but as long as they fit exactly what I want to put out there in the world. And at the same time, main ye bhi kehna chahungi ki पाकिस्तान में क्योंकि बहुत कम वेज हैं टू मोनेटाइज एज अ क्रिएटर, हम ना तो सब्सक्रिप्शंस यूज कर सकते हैं, ना हमारे पास पे वॉल्स, यू नो वी डोंट हैव एनी पेमेंट मेथड्स, कि अगर हम पेट्रियन वगैरह स्टार्ट करते भी हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे जो यूजर्स हैं उनके पास कार्ड्स नहीं होते. वी हैव टू मोनेटाइज सम वे और द अदर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वी डू नीड टू टेक अप कोलैबोरेशंस एज वेल. अगर हम बिल्कुल भी कुछ भी ना करेंगे, नहीं करेंगे, so phir we're basically there's no way we can sustain it, there's no way I can actually hire a team of moderators to you know monitor the community or to create content for it or so on. Bilkul sahi baat hai, maine Patreon banaya hai, Pakistan Experience mashallah 1 million views lifetime cross kar chuka hai. Patreon, yeah just humne bhi randomly is tarah shuru kar diya tha, aap se baat karke thodi sharam aa rahi hai ki hum रात को मैसेज करते हैं, कवल व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, कल आ जाएं पॉडकास्ट पे, एंड यू आर लाइक हम मंथ्स ऑफ रिसर्च करते हैं कॉन्वर्सेशन विद कवल. आई एम जस्ट लाइक सजाद यू नीड टू अप योर गेम.
But the like it's this a, is it's a different, very it's completely different. I know. पेट्रियन हमने भी बनाया है बट वही लोगों को मसले आ रहे हैं. देयर लाइक यार पेट्रियन पे कार्ड होता है, ये होता है. आई थिंक वी आर एट अबाउट लाइक $200 अ मंथ ऑन पेट्रियन. तो मैं कुछ सोच रहा हूँ इजी पैसा कर लूँ ताकि लोग एक दो रुपए भी भेज दें. आई थिंक एवरीबडी हु लिसंस अगर वो एक रुपए भी भेज दे तो हम आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दो मैंने अलग थ्रेड्स पूछते हैं. पहले ये वाला थ्रेड पूछते हैं. डू यू फील लाइक के हमारे मुल्क में, एंड ये बात मैं फ्रेज करते हुए हमेशा थोड़ा घबराता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई क्लिप निकाल लेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा या वो कोई कोट कर देगा, बट यू फील लाइक कि पाकिस्तान में एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, हम ट्रॉमा से नहीं डील करते, हमारे अपने मसले मसाइल होते हैं, कलोनियलिज्म का पास्ट है, टेररिज्म वी ग्रू अप इन दिस कंट्री, एंड देन सर्टेन नोशंस वी ग्रू, जिसकी वजह से हम मेंटली सही नहीं हैं, हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं और हमें मजा आता है इन टीयरिंग डाउन अ पर्सन, राइट? सो इफ देयर वाज अ मोमेंट वेयर यू शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर सीमिंगली एंड यू गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, डू यू फील लाइक के अ लॉट ऑफ द नेगेटिव अटेंशन जस्ट केम फ्रॉम के यार लेट्स व्हाई इज शी गेटिंग दिस एंड दैट एलिमेंट ऑफ जेलसी? You know, I would say के एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हिस्टोरिकली भी बहुत से ट्रॉमास हैं दैट द सबकॉन्टिनेंट हैज बीन थ्रू. मैं फ्रॉम अ मोर फीमेल परस्पेक्टिव आई वुड से कि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा इज रियल. थिंग्स दैट आवर मदर्स हैव बोर्न, उन्होंने कभी दे नेवर सॉट थेरेपी फॉर इट एंड दे हैव बीन थ्रू शिट लाइक ससुराल के जुल्म, घर के मसाइल. You know, that's a lot for the human body to bear, like the soul to bear. So, उन्होंने तो कभी उसके लिए therapy नहीं दी, कभी उसको बहुत कम उस generation की औरतें हैं जो therapy में believe भी करती हैं, right? So, of course, those traumas are eventually passed down to us. They manifest in so many ways, also in the way they treat us, in the way they have brought us up, etc. And at the same time, when it comes to bullying, bullying is also, of course, a product of you project yourself onto another person. Mujhe yaad hai, and I remember Shahzad that you were one of the few people in the online space at the time because we both went to a specific show, if you remember, on television, the HSY show, remember? Haan, back in the day. Yeah. One of the few people online at the time. And usne us at the same at that time they had just introduced a digital influencers ka ek segment usme. So I know ki main pehle, we were one of the first few, so hame padhna tha backlash jo tha, issues the wo hame face karne the, because today look at the landscape, right? Look at how much content creators are thriving. Hum worn out ho chuke hain aur un log ki abhi party shuru hui hai, right? And it's great. I really am happy for all of them, but you know, somebody has to bear the struggles for there to be a path for others to follow on. And yes, अभी भी बहुत bullying होती है लोगों की online. And again, it's the same thing कि लोग अपनी insecurities project करते हैं कि हाय इसको ये project क्यों मिला या ये अपना आपको समझती क्या है या look at the way she dresses. या मुझे याद है कि मैं जब Facebook गई थी 2019 में, मैंने literally like when you go to Facebook, you see everybody there and everybody's in very casual clothes. मैं पहले जब दफा गई थी तो मैं सोच के गई थी कि यार डे वन पे मैं ये पहनूंगी, डे टू पे मैं ये पहनूंगी, डे थ्री पे मैं ये पहनूंगी, बिकॉज मैं पाकिस्तानी माइंड सेट के साथ गई थी कि यार अच्छा लगना इंपॉर्टेंट है. When I got to Facebook, I saw the culture, everybody was just in black tights and a t-shirt and that's it. Men were in like jeans and a t-shirt. Absolutely nothing, like no effort, because all their effort was put into the work they were doing. The second time I went, I literally just put a bunch of my clothes in my bag and I went, because mere dimag mein ye wali baat to bahut wo ease off ho gayi thi ki ye this is not an issue, right? And I was wearing a skirt, I was wearing a t-shirt and denim jacket, aur main kuch present kar rahi thi wahan pe, aur wo wali picture maine laga di Facebook pe, uske niche na comment start ho gaye, what are you wearing, is this what you wear when you're representing Pakistan abroad? Couldn't you get your outfit styled by someone? Why not approach a designer for this? And I was just like, main is kaam ke liye gayi thi? Main kya gayi thi to like do a ramp or what did I go for? I went to represent the work that I'm doing. It doesn't, agar main like baniyan pehen ke bhi shirt pe chali wo stage pe chali jati, kisi ko kuch farq hi nahi padta. Pakistaniyon ko bahut farq padta, padna chahiye nahi.
पढ़ता बहुत पाकिस्तानियों then it shows कि हमारी प्रायोरिटी sometimes इतनी misaligned होती है, but that's okay. अब next time पे मैं गई, उन्होंने देख लिया यार ये तो जब भी इंस्टा स्टोरीज पे भी आती है तो इसी हालत में आती है, तो छोड़ दो उसका पीछा, इसको तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है. अच्छा वो आपने मेकअप आर्टिस्ट बिजनेस बंद कर दिया, दिल भी लाइक ये करेगी, ये तो ये डेनिम का जैकेट पहनती है. See, literally like this is I'm wearing a denim jacket right now as well. But there's just like some things that you just you know, I am the kind of person who's stopped putting so much effort or thought into how I look so that mere paas zyada time bach jata hai in the work that I have to do for the day. Otherwise if I spend hours thinking ki aaj main kya pehnu to main ek different zone mein chali jaungi, whereas my work is absolutely like the opposite of you know that. But I mean kudos to those who do work around fashion and beauty, but then that's their niche, that's their you know, that's their scope of work, so wo comparison ho hi nahi sakta. It's like the same wo jo Dana Nair aur Zara ka log comparison karte hain ki dekho isne itni mehnat ki, usne nahi 10 second ki video banayi, usne apna Instagram mahinon curate saalon curate kiya tha usse pehle. She was in a place where she posted a video ke chalo of course not gazillions of views, but at least thousands of views uski har video pe aa rahe the, jiski wajah se she was in a place. So she worked towards that. Aise nahi ki wo subah ek din uthi, usne ek video banayi aur bas viral sensation ho gayi. She put in the work over years to be who she is as well. And it's up to you whether you think that's not valuable. I think it is. But agar aapko lagta hai ki Dana Nair ko ACCA kar lena chahiye tha, that's your opinion. And aap bahut casually bol rahi hain, Facebook mein gayi thi. This is not ki aap कोई दुकान जा रही है, दिस इज व्हाट यू वुड सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 100 कम्युनिटीज, फेसबुक कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड. या कांग्रेट्स कांग्रेट्स कांग्रेचुलेशंस. हां ये होता है, मेरी एक दोस्त है खाया अहमद, शी इज अ कंसल्टिंग राइटर फॉर मिस मार्वल. तो जब स्टैनली की मौत हुई थी तो शी रोट अ पीस अबाउट हाउ शी मेट स्टैनली. उसको क्योंकि शी वाज अ कंसल्टिंग राइटर ऑन मिस मार्वल, तो मिस मार्वल की टीम ने क्लोजिंग में सरप्राइज करने के लिए उसको जूम कॉल पे स्टैनली को बुला लिया था. एंड लोगों ने लाइक उसको इतना जलील किया ऑनलाइन. हाँ तू इस्लामाबाद में बैठी, तू स्टैनली से मिली थी, शक्ल देख अपनी, तेरी शक्ल स्टैनली से मिलने वाली. ओ इस लड़की को ये भी नहीं पता स्टैनली मर गया. अबे जाहिरी बात है अगर वो आर्टिकल लिख रही है वो ये नहीं लिख रही कि मैं अभी मिल रही हूँ, मैं पहले मिली थी, मिल चुकी हूँ. बट इट्स जस्ट दैट सर्टेन अचीवमेंट्स राइट, वी डोंट बिलीव कि हाँ तू क्या, तू 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 कहाँ से, कोई पाकिस्तान से जाके स्टैनली से कैसे मिलेगा. Yeah, so, and I also feel like sometimes women have it harder than men. Men sometimes get away scot-free even though they do some ridiculous shit online, but unko itna hate nahi or backlash nahi milta jitna ek ladki ko milta hai. And I think Kandil is such a big example of what a social media star went through, right? Yeah. So she also paved the way for so many more. And the work that she did, which was so... you know, put down, is now being done by so many others, but she made that space for them before she left. So I feel like, you know, sometimes this is how things are. मैं उसका रिवर्स क्वेश्चन पूछने वाला था, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मुझे भी कभी कभी देख के from my brain I get लोगों की ग्रोथ हो रही है, and I'm like ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लोग इस चीज पे पहुंच गए हैं. But from my heart, I'm like, यार ये क्या बदतमीजी है. Like even with Kandil, right? People जिन्होंने Kandil को गालियां दी थी और बोला था कि मुझे associate ना करें, आज वो वही feminism का brand बना के बेच रहे होते हैं. And I'm just like, I hope this is genuine growth and not just के अब ये माल बिक रहा है तो मैं बेचना शुरू कर देती हूँ. यार वो नजर आ जाता है. There's so many people who are so performative, and you know you've seen them be extremely degrading, being extremely hostile towards feminism, towards women, and now because ab wo ek popularity ka ek usme element aa gaya ki it's the popular thing to say, or it's the wo wali cheez pe bahut zyada likes mil jate hain if you talk about empowerment. Ek to ye jo word hai na empowerment, isko to mujhe dil chahta hai. Main every other person messaging me, aap women empowerment pe kuch karna chahengi hamare sath? अरे भाई आप पूरा साल कुछ वीमेन एम्पावरमेंट पे करते हैं कि मैं आज के दिन मार्च 8 के दिन आपके साथ कोई वीमेन एम्पावरमेंट का काम करूंगी? नहीं, मुझे नहीं करना. आई वांट टू वर्क विद पीपल हु डू दिस ऑल ईयर राउंड, एंड देन मार्च 8 इज अ डे दैट दे सेलिब्रेट व्हाट दे डू ऑल ईयर राउंड. पूरा साल तो आप चूना बेचते हैं औरतों को,
फिर अब मार्च 8th को आपको अचानक से याद आता है चलें एक टेलीविजन कमर्शियल चला देते हैं. नो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट. सो यस देयर आर मोस्ट सो मेनी पीपल हु आर सो परफॉर्मेटिव. लेकिन फिर ये वाली चीज भी है द लेस सिनिकल साइड ऑफ मी ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि कवल शुक्र को उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स पे लगा तो रहे ना, मासेस देख तो रही है ना, लोग देख तो रहे ना, चाहे वो साल में एक दफा भी लगा दें या दो दफा भी लगा दें, लेकिन देख तो रही है. Maybe they're on the people behind the brand don't even or the whatever the thing is they don't believe in it. Lekin kisi na kisi wajah se laga to rahe, at least they're making the message popular. So I guess there are two sides to it. Ek jo gusse wali side hai aur phir ek jo side hai jo appreciate bhi kar leti ki chalo shukr kuch to ho raha hai. It's just like ab maine realize kar liya hai ki social media pe na aapko kam cheezon pe bharosa karna chahiye. Because ये जो popular लोग हैं obviously they have PR agencies, तो ये narrative भी अच्छा control कर सकते हैं. So कुछ लोग हैं vloggers हैं जिन्होंने anti औरत मार्च videos बनाई थी first year. And I don't know if you've seen the video I made, but I made that when everybody else was making an anti औरत मार्च video. Yeah. तो उसको काफी उस वक्त attention मिल गई थी. And then when they come at me, I'm like, bro, I saw what you made 3 years ago that you've deleted now. बट लोगों को वो वाली याद नहीं, ये याद नहीं, बट चले आई होप कि वो जेन्युइन ग्रोथ है, हम उन पर नहीं आते. अभी जो आपने बात की, आई विल सेकंड दैट. एंड उसी से मेरा दूसरा सवाल था इन टर्म्स ऑफ टीयरिंग पीपल डाउन, उसका जो रिवर्स है दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद नाउ इज व्हाट वी आल्सो हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट, नो योर वर्थ. हाउ डिड यू गेट देयर? बिकॉज अभी जब हम ग्रुप में भी बात कर रहे थे, यू आर लाइक यार आई नो माई वर्थ, आई नो अगर कोई मुझे बुला रहा है क्यों बुला रहा है, मेरा लेबर फ्री नहीं है. विच इज वाई आपने इतना मैसिव डिस्काउंट दिया एंड सिर्फ 10 लाख रुपए लिए हैं आपने ये पॉडकास्ट करने के मुझसे. No, she's good. I've never paid anybody to come on the podcast. It's just their generosity and kindness that you come on. But did you decide that shuru se, is it who you were as a person, or did you come to a place where you're like, nahi yaar, this is my worth. अगर किसी को देने तो ये है, अगर नहीं तो then sorry. But there is a financial worth that comes to either putting a post on Soul Sisters or having Kaval on board. First of all, मैं उस ग्रुप पे तो बड़ी चीती बनती हूँ, लेकिन actual जिंदगी में मैं बहुत ही like I'm a wimp. ठीक है? तो मुझे putting my worth across is very difficult for me in certain situations. कुछ में तो मैं expert हो गई हूँ. अब कोई बड़ा FMCG MNC ब्रांड आएगा, मुझे कहेगा कि ये काम करना है, तो उस पर तो मैं बोल देती हूँ कि भाई ये है रेट्स, लेना है तो लो वरना जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो उनके पास अगर आना है तो आएंगे, नहीं आना तो वो वैसे भी उनको जाना है. वेयर आई डू स्ट्रगल इज अंडरस्टैंडिंग माई वर्थ इन टर्म्स ऑफ माई ऑडियंस. वो मैंने रियलाइज की जब मैंने क्राउड फंडिंग की, जब मैंने एक लीप लिया, मैंने कहा यार ट्राई करके देख लेते ना. जब मुझे लोगों ने इनकरेज किया और मैंने लोगों को बोला कि यार आप लोग रेस करो फंड्स फॉर कॉन्वर्सेशंस विद कवल, तो उसमें मुझे थोड़ी सी वैलिडेशन मिली थी कि यार मेरी ऑडियंस ने मिलके इतने पैसे जमा किए क्योंकि उनको शो देखना है. जो चीज 6 महीने से एक भी कंपनी नहीं कर सकी, वो लोगों ने 6 दिन में करके दिखा दिया. तो उससे दैट्स द सेकंड प्लेस आई गॉट माय वैलिडेशन. एंड आई टेल अदर क्रिएटर्स कि यार जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता होगा. एंड इट्स ओके टू फेल एज वेल. हो सकता है कि आपके ना रेज हों पैसे, हो सकता है कि कोई ना पे करे, बट देन दैट डजंट मीन कि आप बस हाथ बांध के बैठ जाओ, चले जाओ. मैंने भी बहुत सी ऐसी चीजें की इन माय करियर दैट हैव कंप्लीटली फ्लॉप्ड, एंड आई जस्ट व्हेन आई लुक बैक एट देम इट डजंट मैटर टू वेयर आई एम टुडे. एक दफा मुझे याद है मैंने कुछ बेचा था, वो नहीं बिका और वो इट जस्ट डिसअपीयर्ड इनटू थिन एयर. मुझे जाके वो टी शर्ट लिटरली दोस्तों में बांट दिए थे मैंने. इट वाज वेरी लॉन्ग टाइम अगो. And that's okay. It also takes a while for you to build that credibility and that value for your audience. So, the second thing is ki Pakistan mein a lot of people do not value us. They don't value the worth that we're bringing to the table. For example, mujhe itne logon ne Women's Day pe approach kiya ki aap aaye speaker session kare, aur ye badi badi companies hain ki aaye hamare paas hamare sare employees ko aap apni journey sunaye. Are bhai kyun sunau journey? Kyun sunau main? मैं फारिग बैठी हूँ कि मैं 2 घंटे निकालूंगी, जूम सेशन पे बैठूंगी और मैं बातें करूंगी, प्रेजेंटेशन चलाऊंगी. यू नो हियर इन द वेस्ट नाउ इन कनाडा पीपल वैल्यू स्पीकर सेशन सो मच. लिटरली हर गली में ना एक बंदा मोटिवेशनल स्पीकर या स्पीकर बैठा हुआ है जो अपनी जर्नी या लोगों की जर्नीज बैठ के सुनाता है एज अ जॉब. एंड पीपल लाइक अस हु हैव रीच्ड अ सर्टेन प्लेस आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यहाँ पर उनकी इतनी वैल्यू है
कि आप एक बंदे के जो द अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट दे पुटिंग इनटू गिविंग यू दैट यू नो द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट जर्नी, यू पे देम फॉर इट. पासन में क्या है कि टिकेटेड इवेंट पे भी स्पीकर को कुछ नहीं मिलना. स्पीकर जाए भाई, वो सुबह एंड में ना खाना वाना खिला देंगे, वो खुश होकर घर चले जाएगा कि आज तो मैंने बड़े रोल पराठे खा के आया हूँ इवेंट से, और मैंने बहुत एक घंटे जो ना सबको बातें भी बताई अपनी. सो ये दिस इज अगेन इट्स वेरी एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स द नॉर्म. उस दिन जो मैं ग्रुप पे बता रही थी वो मैं यही कहती थी कि somebody had reached out to me for a speaker session and I told them that look, if you want to call me, is this a paid event? And if it's not, तो मैंने voluntary work तो मेरा पूरा साल चलता रहता है यार. Soul Sisters पे जितने हम काम करते हैं वो mostly they're all voluntary work. उसके अलावा भी हम बहुत से काम करते हैं वो भी voluntary होते हैं. तो I have no more capacity now for that. आपको मुझसे कुछ paid काम कराना है, कुछ paid चीज देनी तो वो दे दे, वो I would appreciate that. मैंने आज तक speaking session के नहीं लिए पैसे, लेकिन आज तक, आज के बाद मैं कभी जिंदगी में free में नहीं करूँगा after having this conversation. कभी नहीं करना. Because you're right, देखो अगर वो टिकट नहीं भी बेच रहे, right? Yeah. अगर like a lot of times brands do this, they try and be creative. They're like, नहीं हम actually ना fund raise कर रहे हैं for this event. I'm like, हाँ आप fund raise कर रहे हैं, ticket sales आपकी वहाँ जा रही हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा आ रहा है कि शहजाद presents और ये जो सब लोग देखेंगे और ये जो presents पे आपका logo लगा हुआ है जो हजारों लोग देखेंगे, वो आप मेरा नाम और मेरी ऑडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना अपना ब्रांड बेचने के लिए. सो दैट आल्सो नीड्स टू कम विथ अ प्राइस टैग अटैच्ड टू इट. बी गुड कॉज भी हो, सब कुछ हो, आप मेरी मर्जी है ना यार. मैंने अगर चैरिटी करनी है मैं साल में करता हूँ, आपका तो नहीं काम आप मेरे से चैरिटी करवाएं. एंड इफ यू गो फॉर फ्री, आई हैव आल्सो रियलाइज कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते. अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट, it was people I know and society that was an alumni of, so I was like yaar chalo bacche hain aur main alumni hu main kar leta hu, and then I went for free. I was like chalo I'll MC your event for free, theek hai, and meri accommodation sorted nahi thi, and I was just like yaar ye jab aap free mein jate hain na to fir log aapko treat bhi is tarah karte hain ki acha yaar ye to free mein aa gaya tha, so I was just like main khud paise de dunga, mujhe koi masla nahi, you guys don't have to worry about it. But then I was like main kabhi society wapas nahi aa raha. नहीं बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू. आपकी वैल्यू आपको खुद बनानी पड़ती है, वो मैंने देख लिया है हमारी सोसाइटी में तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा. यू नो लॉट ऑफ पीपल दे, आप उनके अगर चले जाएंगे एज अ फ्री स्पीकर दे विल नॉट इवन यू नो, एक वो होता है तरीका, एटिकेट होता है कि आप स्टेज से लेके जाए, उनको टेबल पे बिठाए, कुछ खाने पीने का कुछ भी कर, नहीं नहीं अच्छा चले ठीक है हो गया, आप स्पीच होके चले टाटा बाय बाय. एंड आई एम जस्ट लाइक यार मैं लाइक आई came all the way here, it's happened several times and I'm now I'm just like no dude, I think har insaan ka apna zarf hota hai, and more than the people organizing, I lot times is the production companies or agencies jo beech mein hote hai na, there are events where I've been paid handsomely and not been treated well, and there are events where I've been paid and not well but treated well. Wo phir aap समझ जाते हो कि कौन सी कंपनी, खैर हम साइड बातें कर रहे हैं, हम वापस आ जाते हैं. क्राउड सोर्सिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड. मैं कुछ 6 महीने से एक शो बेचने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत स्ट्रगल्स आ रहे हैं स्पॉन्सर से. एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट, क्या टिप्स हैं, किस तरह करते हैं, कुछ मैंने भी करना है. क्राउड फंडिंग का तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था टिल लाइक आई थॉट अबाउट इट, लेकिन मुझे हमेशा से बहुत डर लगता था. मैंने कभी किसी क्रिएटर को पाकिस्तान में डू, आई नेवर सीन देम डू क्राउड फंडिंग. तो जब तक कि किसी ने की नहीं होती तब तक आपको पता नहीं होता कि वो किस तरह से लगेगी, लाइक हाउ विल इट टर्न आउट, राइट. सो लेकिन जब 6 महीने गुजर गए, मैं हर ब्रांड के पास गई, कोई मुझे कह रहा है कि आप एक लॉन्ड्री कॉम्पिटिशन करें अपने शो पे, मैं कह रही हूँ यार क्या लाइक कोई बंदा मुझे बता रहा है कि यार तुम आई वेंट थ्रू दिस like for years, and we're getting, so chale, let's take a 2-minute break so that we can fold our banyans, let's come back. And you know, ek ne mujhe kaha ki acha piche aap bada sa na ek banner laga dijiyega hamare brand ka, and I was like itna bada sa banner lagane ki zarurat hi nahi hai, aapka beverage brand hai, unka main table pe ek hi cup rakh sakti hu, wo bahut more than enough ho jayega. Nahi, hamari company ki policy hai ki hamare standees lagne chahiye, hamara banner lagne. ओ भाई, और कुछ एक कंपनी आई थी जिनका उस जमाने में बड़ा वो चल रहा था, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी, कि वो अपने एम्प्लॉइज को मिसट्रीट करते हैं. उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम कर देंगे, दे देंगे आपको बहुत सारे एपिसोड्स का, लेकिन आपको उन एपिसोड्स पे हमारे एम्प्लॉइज को बुलाना होगा.
तो हमारे एम्प्लॉयज आके हमारी तारीफ करें एंड में कि हमारे इस कंपनी की वजह से वी आर सो एम्पावर्ड टुडे. मैंने कहा मैं ये तो काम नहीं कर सकती. खैर तो ये सारी बातें मैं कमेंट्स में बता दूंगा कौन कौन सी कंपनीज है, मैंने फिगर आउट कर लिया सारा. यू बेटर नॉट. वसीम अकरम आएगा अपना ड्रामा धोइए एरियल से. तो आई वाज लाइक ओके आई सेड के यार मैं बहुत डिप्रेस थी ऑनेस्टली. लाइक मुझे लगा यार मेरी वैल्यू जीरो है. मैंने जब पहला साल कॉन्वर्सेशन विद कवर को लॉन्च किया था तो मुझे फेसबुक का ग्रांट मुझे इसीलिए यूज करना पड़ा. लाइक दिस इज व्हाई आई पिस्टेड टू फेसबुक, क्योंकि मैंने सीडब्ल्यू किया है थॉट ऑफ इन 2017 अराउंड दैट टाइम मैंने इसको कंसीव किया था, लेकिन कोई भी फंड नहीं कर रहा था, कोई समझता ही नहीं था कि इस आइडिया में वैल्यू है. फेसबुक ने समझा तो फेसबुक ने मुझे दे दिया ग्रांट, मैंने कर लिया. फिर जब मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज भी मिले उसके बावजूद ही लोग मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि दे थिंक के ओ हम जब तक हम नहीं बताएंगे कि कंटेंट कैसा होगा तब तक हम पैसे नहीं देंगे. लाइक व्हाट द हेल, यू नीड टू ट्रस्ट योर क्रिएटर्स राइट, दैट्स हाउ द इकोसिस्टम एंड द इंडस्ट्री इज गोना ग्रो. फिर मैंने कहा यार, मैंने ग्रुप पर जाके लिख दिया सोल सिस्टर्स पे कि यार ये बड़ा मसला है, दो सीजन में कर चुकी हूँ बट नोबडी इज रेडी टू टेक माई वैल्यू फॉर व्हाट इट इज, लाइक व्हाट शुड आई डू. So then this woman from like everybody started commenting, crowdfunding करे, crowdfunding करे, आपने हमें क्यों नहीं trust किया अभी तक, आपने पूरी दुनिया को कर दिया लेकिन आपने अपने group को नहीं किया, ये क्या बात हुई. एक लड़की ने कहा कि 5-5 रुपए भी हम जमा करेंगे तो कुछ तो बन जाएगा ना cover. And then this girl called me in Canada, she messaged me, she said मुझे तो number दो, उसने मुझे call की, उसने कहा तुमने अपनी value, what value do you assign yourself. मैंने कहा इस वक्त तो मेरे सामने मेरी value zero है. I don't think I have any value. क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं अभी तक आई एम नॉट एबल टू मेक एनी चेंज कि मैं दो तीन तीसरे सीजन पे आ चुकी हूँ एंड डिस्पाइट ऑल द व्यूज एंड ऑल द लाइक्स एंड द अप्रिसिएशन कोई उसको बैक करने के लिए रेडी नहीं है. तो उसने मुझे बोला यार देखो जो तुम चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हो ना, अगर इस इन चीज़ों के बारे में लोग यही कंपनीज पहले बात करना चाहती तो आज हम ये ड्रामों को या ये टॉक शोज को नहीं देख रहे होते टी वी पे. These are the same companies that perpetuate the same mindset that they want should remain in society, so that society doesn't progress, right? अगर society progress करेगी तो वो ये भी realize करेगी ना कि companies कितना exploit करती हैं या ये कितनी चीज़ गलत है या इनका चूना जो ये खुद बेचते हैं वो बिकना बंद हो जाएगा. तो she said कि trust us, मैंने $10,000 निकाले मैं और वो मैं तुम्हें दूंगी अगर तुमने crowdfunding launch किया. And I was like, what? Like, 10,000 to me? Like, would you trust me with that amount of money? And she was like, if I don't trust you, then who will I do? I've seen my family and I've seen people around me change on Soul Sisters. I've seen the value that you've brought to people around me. And she's somebody who has a startup in Vancouver. तो मैं तो सब रो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार कोई कैसे मुझे कह सकता है. मेरे खानदान में आज तक किसी ने मुझे ईदी में 2-3 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं दिया, तो ये एक रैंडम पर्सन लाइक आई डोंट नो वेयर हाउ कैन शी ट्रस्ट मी. खैर उसने, मैंने कहा अच्छा हो सकता है शी इज जस्ट वन ऑफ दोस पीपल जो नहीं ऐसी हवा में डाल देते हैं. पाकिस्तानी 10,000 किसी ने दे दिए थे एंड आई वाज जस्ट लाइक मास्टर हैज गिवन बॉबी अ सॉक. लाइक वाओ कैनेडियन $10,000 माय गॉड वाओ. So yeah, so mashallah. So then I hung up. मैंने उसी वक्त अपना Kickstarter पे campaign को launch किया. It takes 3 days for it to be approved. Approve हो गया तो मैंने Soul Sisters से post किया. मैंने उनको वापस message किया कि Saima ये ready है. She was the first one to pitch the money, and so many other people came forward. Shahzad, like there were people who did not have credit cards, so they like a bunch of girls got together ki hum 5-5 rupaye dalenge ya hum 10-10 rupaye dalte hain ek bande ke account mein aur jiske paas card hai wo transfer kar de us. Okay, it was really sweet like what people did. And like I said ke CWK mein there's months of work. Abhi tak jaise humne October mein kaam shuru kiya tha aur ye March ke end mein khatam hoga. So it's like 6 months of work and it's a lot, and it's a lot of people, it's a lot of equipment, all of that. So for them to understand all of that, even though a lot of them don't have the media or production background, and for them to want to back it, it was like such a big deal for me. And what was the goal on Kickstarter? Because I'm assuming wo to public hota hai, no? Yeah, $35,000. And how many episodes is this? This season has 8 episodes and 1 trailer song. We always have a song at the start. I saw. I think Aisha Burka was also in it. Aisha Khan. Yeah, she's my childhood friend. Yeah. Really? We've known each other since the 5th grade. बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग.
स्वीट हम सेम स्कूल गए थे, उसके बाद वो गायब हो गई. वो जब आएंगी, वो आ चुके हैं एक्चुअली पॉडकास्ट, और हाँ दैट्स द एपिसोड आई सॉ लास्ट वीक व्हेन यू डिड या द औरत मार्च वाला, तो अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हैं. सो फॉर दिस आपने पब्लिकेशंस का तो बता दिया, एंड आई एग्री विद यू अ लॉट टाइम्स दे टेंड टू बी एक्सप्लॉइटेटिव एंड यूज थिंग्स स्पेशली टेलीविजन. वो एक अगर आप YouTube करें अभी जाकर सैड म्यूजिक, तो जो पहली आएगी ना वीडियो, जो पहली वीडियो आएगी, आपके सारे चैनल्स वही यूज करते हैं लिटरली. वो कोई एक उनमें से गया था YouTube पे सैड वायलिन सैड म्यूजिक, और अब वो हर जगह वही आता है टू द एक्सटेंट के इनको शर्म आनी चाहिए. पता नहीं इनके घर वाले हैं नहीं हैं, कहाँ से आए हैं, ये एलियंस हैं लिटरली. लाइक यार APS के बाद दे वेंट टू दिस चिल्ड्रन एंड देयर लाइक आपके भाई की डेथ हो गई, आपको कैसा लग रहा है? लाइक क्या आप एक 8, 9, 10, 15 साल के बच्चे से ये क्या पूछ रहे हैं? वो क्या जवाब देगा? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है. लाइक व्हाट आर यू इवन थिंकिंग जस्ट बिकॉज यू वांट कि वो रोए, एंड वो रोने वाली क्लिप आप सैड म्यूजिक के साथ चला दें. दैट्स व्हाट आई एम वेरी ऑफ राइट. जो आपने मुझसे अभी सवाल पूछा था कि आप क्यों नहीं देती इनको अपॉर्चुनिटी के लोग फ्रीली सोर्स कर सके कॉन्टेंट, इट्स बिकॉज मैंने कोई कॉन्टेंट हब नहीं बनाया इन लोगों के लिए. ये लोग हर चीज को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं और हम देखते हैं, वी सी इट इन न्यूज़पेपर्स, वी सी इट इन शोज़. या आई मीन देयर इज अ पर्लो पिंक एंड आई एम जस्ट लाइक ब्रो आप जरा अपनी हिस्ट्री देखें कि आप तो चोरी कर लेते हैं कंटेंट. या बट लुक एट द आयरनी ऑफ देम कॉलिंग इट पर्लो पिंक एज इफ ये एक फेमिनिस्ट हमारा वो है, जबकि आप पर्लो का कंटेंट देखें, इवन पर्लो पिंक का एक्चुअली कंटेंट देखें आप. इवन अभी I forgot her name. I'm so sorry. But the model who committed suicide, the pictures that people chose to print for that news, I was like, okay, I know why you've chosen these pictures for this news. It's even in death, aap log ko sirf clicks or views ki padi hai. Matlab is waqt bhi aap log thodi tameez nahi dikha sakte. How do you ensure ki yaar hum itni traumatic baatein kar rahe hain, log aake apni stories share kar rahe hain. How do you ensure के वो एक sensitive तरीके से हों, और वो I mean you don't have a brand on board but it's still a brand right at this point, conversations with Kawal I guess is a brand. Definitely a brand of its own now. How do you ensure के यार ये वो exploit ना हो? देखें एक तो ये बात है कि there's 8 years of experience dealing with women, talking to them and being more of a friend than anything. So there's that experience. Okay, we've already created like these bonds that even though main unko janti nahi hu lekin main unko phir bhi janti hu. So when we're talking on the show, it's almost like we know each other since forever. And jo ek genuinely agar aapka dost aapke paas aayega aur aap usse kuch usse baat karoge, which is very difficult to talk about, you know ke piche se violence nahi play hona shuru ho jayenge, aap fake roenge nahi, आप चार औरतों को वहां नहीं बिठाएंगे कि वो भी रोएं. तो ये सारी चीजें ना देयर वाज वेरी इट्स ऑब्वियसली बिकम्स सो ऑब्वियस टू एलिमिनेट कि ये वाले तो एस्पेक्ट्स हमें चाहिए ही नहीं. एंड देन सेकंडली लाइक आई सेड आई डू प्रिपेयर फॉर द शो, सो आई डू आई एम वेरी माइंडफुल कि मेरे साथ जो टीम भी जा रही है मेरी, यानी अगर 5 लोग कैमराज के पीछे हैं एंड मोस्ट कैमरामैन हैव टू बी मेल क्योंकि पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड female DOPs and or agar hai bhi to wo itni kam hai ki usually they're booked out for the dates that we want. So specifically agar itne mard hain on set to unko bhi main prepare karke leke jaati hu ki this is how things are going to be, this is my show, this show has to be a safe space or aapko you have to be invisible there, you're not important. And the person who is in, you know, behind the, like in front of the camera, unko facilitate karna hai sabko, unke sath acha salook karna hai unko, agar wo kuch aisi baat kahein jisse aap like, you know, that makes you feel a certain way, you don't have to express that feeling. So it's preparation for the team. And for myself, I feel like it's more natural than anything ke I just feel like, I don't know, just like I say, I would talk to you or if I would talk to anybody else about their issues, that's how I take it. Or even jab hum edit phase mein jaate hain tab bhi fazool ke add-ons karne ki hame koi zarurat nahi hoti ki bhai hum kuch bahut hi jab wo sad baat boli to us pe tez humne music chala diya ya usko montage bana diya ki different angles se rote hue ki montage dal diya, no we don't do that.
it's just I think more than anything I feel like it's so obvious. I don't know why other people don't do the very obvious. Huh, but I guess the more complicated debate is ke is content necessarily exploitative, and you're not a content creator as such, but I've grappled with this idea, right? There was a time where I was looking to build a content platform and wo hum ek stage mein aa gaye the where roz hame kuch na kuch dalna tha uspe because hame ek content platform banana tha until aur thode bahut content creators aur bhi aa gaye but nahi aa rahe. Aap ek usme phans jate ho aur usi ke beech mein wo hua tha, if you remember, Logan Paul Japan gaya tha and wo ek forest mein kisi ne suicide ki hui thi. And Logan Paul posted a video on YouTube, oh my God, we found a dead body. And uske baad bada wo cancel hua ki yaar, somebody is hung himself in the forest or you're thinking content. Terrible thing to do. But I was sitting there and I was like, I get it. Ke because wo itna gross YouTube content mein phasa hua tha ki usne mara hua insaan bhi dekha to usne ye nahi socha ke main iski madad karun, dekhun kya. Usne socha, oh my God, content, clickable. आप उसमें फंस जाते हो. सो मे बी बिकॉज यू आर मेकिंग लेस, यू डोंट गेट स्टक इन दैट ट्रैप, बट यू स्टिल ग्रैपल विद द आइडिया कि यार कंटेंट एक्सप्लॉयटेशन, कंटेंट नेसेसरली एक्सप्लॉयटेटिव, हाउ डू आई गेट दी स्टोरीज आउट विदाउट फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप. यू नो इट्स दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने कुछ टाइम तक सोल सिस्टर्स पाकिस्तान का एक ब्लॉग चलाया था जो बहुत वायरल होता था. उस पर रोज एक पोस्ट लगता था. ठीक है, दिस वॉज अराउंड द टाइम दैट मैंगोबाज वॉज लॉन्च्ड. मैंगोबाज तो लॉन्च हुआ था विद सीड फंडिंग. मैंने लॉन्च किया था 2-4 हज़ार रुपए के साथ. एंड दैट ब्लॉग व्हाट इट यूज्ड टू डू वाज इट यूज्ड टू पिक अप स्टोरीज फ्रॉम सोल सिस्टर्स एंड इट यूज्ड टू पुट इट ऑन अ पब्लिक पेज. उसको फिर हम वेबसाइट पर लगाते थे और पेज पे उसका एक इन्फोग्राफिक टाइप डालते थे विद अ पिक्चर एंड अ शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सन. और वो वायरल होता था. At the same time, I felt कि यार जब लोग अच्छे हो ना आपकी टीम में, आपके आपको एडिटर साहब एडिटर अच्छा हो, आपके राइटर्स अच्छे हो, आप लोग सब सेम वैल्यूज पे अलाइंड हो, तो यू कैन टर्न आउट गुड कॉन्टेंट रेगुलरली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वैल्यूज. एंड अगेन, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन याद है बिटवीन मी एंड माई सब एडिटर. जब शुरू में हमने लॉन्च किया था ना, तो वही उस जमाने में मैंगोबाज भी नया नया आया था. And when we launched our first few posts, I was just asking her, कि यार फातिमा हमें तो कोई हमारे पोस्ट को तो लाइक ही नहीं करता जब तक, जबकि Soul Sisters is such a big group, it has 30,000 or 40,000 people, लेकिन हमें कोई 5 dislikes मिल रही हैं. And you know, she and I had this conversation that चाहे कुछ भी हो जाए, we will not change the things that we are doing for our blog. And then one day we just hit jackpot, and our stories were getting tens of thousands of shares on the internet. And हमने अपनी niche discover कर दी थी, and our niche was again stories, but we did not have to compromise on our values. हमें ना clickbait की जरूरत पड़ी थी, ना हमें किसी बकवास फजूल controversy में पढ़ने की जरूरत थी कि today these two celebrities had a fight on Facebook type. हमें कुछ भी डालने, our content was still honest, truthful, real. By the same time, it was doing well. So even now, अगर मुझे कोई इस तरह की investment दे दे कि यार तुम here Kaval, here's $1 million. Do as much content as you want. And I have to produce one thing every day. I can still produce that without exploiting or without having to compromise on values, because I feel like there's so many brilliant writers out there who need an opportunity to get their work featured. I feel like there's so many great producers and great, artists jinka work. For example, mere paas $1 million hai. मैंने 50,000 I give it to Shahzad. Shahzad make 10 pieces of videos for me to with these 10 celebrities, and I want you to have like a comedy side to it. Then I pick up another artist like the Bajis or Tamkinath, and I give her another 50,000, and I tell her, Tamkinath, your job is to do this. I feel like ye collaboration bahut nahi exist kar rahi amongst the people whose content needs to be seen more. And I feel like maybe the right people don't have the funding yet to be able to disperse it. Jo hum content dekh rahe hain, wo that is being backed by the same people jinka content main nahi dekhna chahti. I don't want to see who like mere paas tum ho type content. Lekin paisa unhi ke paas hai, to wo mil bhi unhi artists ya unhi writers ko raha hai jinke content se hamari society ko nuksan pahunch raha hai. So until and unless whole cycle is broken and new and fresh people come into the picture, we
definitely going to be exploited every day. मैं शुरू में सोचता था कि ये अनकनेक्टेड है, फिर मैंने सोचा कम्प्लिसिट है नाम, लाइक नहीं कम्प्लिसिट नहीं, ये चाहते यही है, ये डिलिब्रेट है, ये ऐसा नहीं है कि जी हुमायूं सईद अच्छा इंसान है बट मजबूरी में खलील रहमान कमर का ड्रामा कर रहे हैं, नहीं ये सारे मिले हुए हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अगर मेरे पास तुम हो बना रहे हैं जिसका खलील रहमान कमर राइटर है तो वो झूठी भी बना रहे हैं, डंक भी बना रहे हैं, ये एजेंडा ड्रिवन है, ये बहुत स्पेसिफिकली प्लान्ड है, complicity से way beyond है. What I was trying to maybe get at is कि we are now in a world of attention economy where attention can be monetized, right? Like 2015-2016 में हमने एक Facebook पेज लॉन्च किया था, create a scene, stop sexual harassment. हमारी एक दोस्त के साथ वाकया हुआ था and we really want to create a movement around it. This is either at least before Me Too took stock in Pakistan. उसमें लोगों की stories and stuff we were sharing, but it came to a point where after reading all that content, मैं तो numb हो जाता था, मुझे तो समझ नहीं आती थी कि मैं दिन में कैसे, and there were days I just couldn't get out of bed because there was people's personal stories that they wanted to share and post anonymously हम कर रहे थे उस time, but it just came to a point where I was like, यार, maybe मेरी male privilege है कि मुझे नहीं पता था इतने extent तक होता है, and उसकी वजह से I think going through that experience till this day I get very triggered at these stories and I mean even when I think about right now I can't form words so going through all the stories agar aap keh rahi hain ki main roz padhti bhi hu aur phir I also think about what to post and then I also plan how difficult it is like are there days where you're like I this happened to somebody this is a human being that this happened to how do I get out of bed and function today. Yeah, this is such a great question because it's not asked. Like, nobody asks me that very often. It's, you know, soul sisters pick up rose post read kar rahe hote hain. Back end pe bhi jo approve nahi bhi hote, wo bhi hum read kar rahe hote hain, theek hai? Uske alawa, as a member, you can always choose not to use the group today. But as an admin or as a moderator, I do not have that privilege. So, and then on top of that, even with CWK, एक तो हम रिसर्च के वक्त स्टोरी को पढ़ते हैं, एक हम इंटरव्यू के वक्त उसको देखते हैं, फिर उसके बाद एडिट में 100 times देखते हैं क्योंकि वो एडिट होती है, एडिट होती है, एडिट होती है, फिर वो कटता है. इट हैज डेफिनेटली कॉज्ड सम फॉर्म ऑफ इमोशनल बर्नआउट्स. इट अ लॉट ऑफ स्टफ इज एक्सट्रीमली ट्रिगरिंग. अ लॉट ऑफ थिंग्स आई फील लाइक मेरे अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं दैट यू नो आई मीन आई कांट एक्सप्लेन बट आई फील लाइक you know, sometimes I'm just in a state where I cannot function. Like I cannot go through my entire day. Mujhe bahut mushkil lagte hain kuch din. And of course, that is all a product of, you know how it's said that even when you're a counselor or when you're a therapist, you need somebody to do your therapy. There's no way you can be a therapist without someone else doing a therapy. To mere saath, I feel like wo emotional burnout bahut zyada hai, bahut zyada. I'm not the same person that I used to be 8 years ago. And I don't think I'll ever be able to go back to that. So I think that's kind of like the cost or the price you pay. It's also unfortunate that this country makes you pay that cost right now. Jo Aurat March organizers ke saath ho raha hai ya uska jo backlash aa raha hai. And this is why I think jealousy wala question relevant tha because dushman se to aap expect karte hi hain jab apno se nafrat aati hai na that just cuts through you because you're like I thought we were the same tribe like do you not see the labor and I mean you know there's so many things that I could say right now but I'm not going to but yeah you know a lot of my family members have not been very happy or supportive of my journey with conversations with Kaval. Mujhe bahir to logon se battles fight karne hi pade. I mean, there's so much shit that has happened over the last 8 years. There's so many things that have been said about me, that have been said about Soul Sisters. Maine kabhi bhi aake unko, like I've never put out a PR statement. I've never tried to clarify anyone's misinformation kyunki main padhna hi nahi chahti thi in sab chakron mein ki main आज लाइक यू नो हाउ वो फिर एक वो बन जाते हैं कि वो रिप्लाई करो फिर आप उसको रिप्लाई करो एंड देन यू नो यूर इन दैट वर्ड सो आई नेवर यूज माई एनर्जी अप टू दैट मैंने कहा यार छोड़ो ऐसे लोग तो आते रहेंगे जिंदगी में लेकिन
मुझे याद है कि इवन अराउंड द टाइम दैट मिन्हा वाज बोर्न देयर वाज दिस ह्यूज इशू हैपनिंग ऑन द ग्रुप एंड इट काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट इशू व्हिच वाज नॉट सोल सिस्टर्स की फॉल्ट इट वाज अ फॉल्ट ऑफ समबडी एल्स उसमें यही हुआ था कि एक जर्नलिस्ट ने एक्सप्लॉइट की थी कम्युनिटी शी हैड पिक्ड अप अ स्टोरी फ्रॉम द ग्रुप एंड शी हैड पुट इट इन अ न्यूज़पेपर विदाउट कंसेंट एंड शी पुट द नेम ऑफ द गर्ल एज वेल जिसकी स्टोरी वो थी और उस लड़की की स्टोरी थी डोमेस्टिक वायलेंस पे तो अगर आप किसी के नाम से उनकी डोमेस्टिक वायलेंस की स्टोरी न्यूज़पेपर में डाल रहे विदाउट टेकिंग हर परमिशन शी कुड गेट किल्ड फॉर दैट बिकॉज शी स्टिल लिविंग विद द सेम इन लॉज राइट अब मैं थी हॉस्पिटल में आई वॉज अंडरगोइंग अ सी सेक्शन एंड मुझे याद है कि मैं व्हेन यू आर लाइक व्हेन यू जस्ट गिवन बर्थ आप एक यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड जो कुछ भी और कर सकता है यू आर ऑलरेडी इन गोइंग थ्रू योर ओन थिंग मुझे याद है कि मेरा फोन बज हो रहा था जब मैं निकली थी एंड आई चेक माई फोन और उसमें सारे कॉमेंट्स में था प्लीज डोंट डिस्टर्ब कवल शी जस्ट हैड अ बेबी प्लीज डोंट डिस्टर्ब कवल वी कैन सॉर्ट इट आउट वी कैन सॉर्ट इट आउट और वो किसी ने आर्टिकल पोस्ट किया हुआ था ग्रुप पे और लिखा हुआ था कि हाउ डेयर दिस वुमन डू दिस और वो द वुमन अंडरनीथ दैट इन द कमेंट्स शी वाज डिफेंडिंग हरसेल्फ एज वेल के मैंने ये कर दिया लेकिन अब मैंने नाम हटा दिया एंड एवरीबॉडी वाज लाइक आपने छाप तो दिया ना एक दफा तो छप गया ना वो स्क्रीनशॉट्स अगर उसके इन लॉज ने ले लिए शी इज गोना बी इन ट्रबल खैर तो इस तरह की भी चीजें हुई हैं एंड देन दैट रिजल्टेड इन अ न्यू कम्युनिटी बीइंग क्रिएटेड एंड a lot of misinformation nobody ever talked about that incident that this is the reason why those people were removed from the group or whatever it became something else again maine kabhi jaake kisi ko clarity ya clarify karne ki kabhi zarurat nahi samji because I feel like everybody does mistakes and then they learn from it however maine ye expect nahi kiya tha ki log people would use me as a scapegoat to you know hide their mistakes or their issues but you know a lot of stuff has happened I'm sure maine bhi like I'm sure kya maine bhi ki hain bahut si galtiyan that everybody does online but at the same time us in sab cheezon ki wajah se jo the emotional trauma that has resulted sometimes speaking up for the truth has resulted in so much emotional trauma within my family and outside of it as well ke yeah those things I don't think वो कभी भी you can ever undo these sort of things, right? Like you just said कि वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है suffer, लेकिन I don't know how you could ever, I don't know how much therapy one would need to get over these things. आप खुद तो कर लें right? But it's like driving. मैं जब driving सीखना शुरू की थी मेरे instructor ने बड़ी अच्छी बात की थी उसने बोला था कि assume करो कि बाकी सब जो है ना वो चाहते हैं crash हो जाए और इस तरह गाड़ी चलाओ So, आप अपनी तो कर लेंगे किस किस की थेरेपी करेंगे अगर बैरल ऑफ क्रैब्स देखा है किसी ने उस पर वो ढक्कन नहीं लगाते उससे मुझे पाकिस्तान की याद आती है बिकॉज व्हेन यू पुट ऑल द क्रैब्स इन अ बैरल तो यू डोंट नीड टू पुट अ कैप ऑन इट क्योंकि अगर एक क्रैब ऊपर जाएगा दूसरा क्रैब ट्राइंग टू गो अप विल ग्रैब होल्ड ऑफ दैट क्रैब एंड पुल दैट क्रैब डाउन टू गो अप और वो एक साइकिल चलता रहेगा कि कोई क्रैब उस बैरल से नहीं निकल सकेगा बिकॉज एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू पुल ईच अदर डाउन And I feel like वो एक बहुत अच्छी इमेज है फॉर पाकिस्तान because we don't realize what the other person is going through, right? कि अगर कोई influencer है कोई अपना करियर बनाना चाहता है कोई अपना नाम बनाना चाहता है उसके लिए बड़ा आसान है कि यार people think Kawal is a superhero, people respect Kawal, people love Kawal. If I can pull Kawal down, if I can show people के Kawal's not good as people say, मैं ऊपर आ जाऊंगा कि look now I am better than Kawal. And people don't realize that they're just doing it out of insecurities 100% aur wo hum aksar dekhte hain ki log threads start karte hain ya post start karte hain on different platforms they'll be like oh shazad is an asshole for example theek hai ye to har platform pe har roz start hota hai uske niche 100 log comments karenge not realizing ki they're not going to harm shazad's career because shazad ko to phir bhi gigs milenge but they will harm him emotionally he might get affected by it it might hurt his feelings it might cause him long term trauma or do you and if you were doing this to ruin his career didn't get ruined but you did ruin a person and how they sleep at night and whether they can sleep at all to aap jo log ye kaam karte hain bahut se log karte hain acche acche log bhi karte hain ye kaam just think twice like do you want to be culprit in somebody having dark thoughts at night or do you want to be the reason why someone you know had to cry themselves to sleep and out of what kya mila aapko uske when that thread ended did you go home and did you feel like better about yourself
they felt better when they got 600 likes on it. They felt better when they got other people to be like, yeah, you showed him. And मुझे मसला सिर्फ ये लगता है कि ये अक्सर कॉन्वर्जेशन जो है ना सोशल जस्टिस में क्लोक कर दी जाती है. एंड यू फिगर्ड इट आउट मच अर्लियर देन मी. आई मेड द मिस्टेक ऑफ एंगेजिंग, राइट? कोई मेरे बारे में कहता है, आई एम लाइक, यार क्यों कह रहे हो? लाइक मैंने कुछ किया है, कैन आई डू समथिंग टू हेल्प, कैन आई टॉक टू यू? जस्ट लाइक आई लिव हियर, आई एम ऑन द पॉडकास्ट, आई एम वेरी एक्सेसिबल. जिसको मुझे अक्सर ही होता है रात के 4 बजे कोई 6 वॉइस नोट भेज देता है, मैं सुन के रिप्लाई करता हूँ. एंड आई एम लाइक, यार कोई अगर वजह है, कुछ मैंने किया है तो मुझे बता दो. ये जनरल हेट क्यों आ रही है? एंड दैट्स जस्ट यू डिग योर सेल्फ अ डीपर होल. यू जस्ट कीप डिगिंग योर सेल्फ अ डीपर होल. इट्स लाइक दैट ट्वीट के किसी ने अभिषेक के बारे में कुछ बोला था एंड अभिषेक ने रिप्लाई कर दिया और उस पर्सन ने फिर ट्वीट किया था, यार अभिषेक बच्चन कितना वेला है, मुझे रिप्लाई कर रहा है. इट्स दैट आइडिया कि आप यू कांट विन विद दीस पीपल. And yeah, no, I don't think people realize कि ये दूसरा इंसान है वहाँ पर, वो पढ़ रहा है, उसको नजर आएगा. And जो भी आप कह दें, एक इंसानियत है सब इंसान में कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, right? I'm not gonna say this to you. I'm not gonna say something as heinous as what people say online to you, to your face. और वो अभी किसी ने recently tweet किया था, wow, हमारे लिए जान is gatekeeping progressives. I hope he goes back to jail. तो क्योंकि उसने कह दिया he's gatekeeping progressives, वो एक social justice warrior phase में terminology में phrase कर दिया, तो it justified even saying I wish he goes to jail. Do you realize like what it means to tell somebody to go to jail? Right? Yeah. And it, honestly, like मैं अगर कोई tweet कर दूँ और उसको attention मिलना शुरू हो जाए, I start getting panic attacks. I'm like shit. This tweet is getting a lot of likes. अब कुछ backlash. कौन क्या कहेगा इसके बारे में? Yes. And see, it affects you deeply, yes. Right? You. Yes. मुझे भी. I feel the same way. Like, एक वो ज़माना भी था जब हर दूसरे ग्रुप पे मेरे बारे में लोग लिखना शुरू कर देते थे. प्रोग्रेसिव तरीन ग्रुप्स में भी मेरी इतनी बैशिंग होती थी और मैं सोचती थी यार ये लोग हैं. These people are calling themselves like the most educated, the most progressive in society. So why are they shitting on me, right? Like, agar aapki soch achhi hai, progressive hai, to aap kisi ko pull down to nahi karenge, right? You would think, you would want to give that person a chance, or you would at least want to leave that person alone. Lekin har dusre group pe, chahe jis bhi category ka group ho, liberal, conservative, itni meri buraiyan hoti thi, aur mera yahi scene hota tha Shahzad, ki main sochti thi, yaar, shit, ispe 10 likes aa gaye. 50 comments ho gaye. Oh my god, now this is going to be screenshot. Ek dafa to mujhe yaad hai ki ek ladki ne post ki thi picture apni, she was wearing a skirt on the group and she posted it, aur maine wo proof kiya ki main so gayi thi. She was wearing a mini skirt. Subah mein uthi to usme pata nahi koi 2-3,000 comments the, usme se jo 25% comments the na, they were all hate. Soul Sisters ne proof kaise kar diya? This is Soul Sisters Pakistan, so why is it not following the values of Islamic Republic of Pakistan? Wali sare comments sabko maine jaldi jaldi remove kiya, mute kiya, delete kiya. These people, some of them left the group as well, and they were very old members of the group. Theek hai, inko to humne, maine personally some of them, I'd helped them through very difficult times. Unhone WhatsApp trend start kar diya ki SSP is a group that promotes the wrong image of Islam and blah, blah, blah. And all of this over a girl wearing a mini skirt, okay? They promote this image of Muslim and blah, 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 blah. Aapko to pata bhi nahi ki yaar wo ladki Muslim hai ya nahi hai, pehli baat. Aur dusri baat ki aapka Islam kyun itna zyada unke kapdon se wo ho raha hai, you know? How is Pakistan getting like an earthquake right now because of her skirt? So wo circulate hona shuru ho gaya, itni jagahon pahunch gaya ki main, I was literally like scared ki yaar, you know, you could get killed for this stuff as well in Pakistan. You never know, right? Yeah. Ke kisi ne is tarah ki cheeze likhna shuru kar di ki they are promoting the wrong image of Islam, which is not true. It's misinformation and it's a proper targeted campaign. So yeah, crazy. It's, but they know exactly what they're doing, right? Yeah. Essentially, to ye blasphemy hai. If do you not think God is all powerful? Do you not think God is omniscient? Do you not think God is omnipotent? If he is, if God is all powerful and he is a being that has always been and will always will be, do you think he's hurt by a miniskirt? Is that how little you think of your God that you as a human being need to step in to protect this all powerful being over a woman wearing a miniskirt?
if you do, you think very little of your God, but I think you don't. I think you know what God is. This is not about God. This is about you, because you want to weaponize. कि यार जिस तरह भी औरत मार्च के साथ हो रहा है, right? Blasphemy is a convenient weapon. Yeah. They committed blasphemy to pull down the औरत मार्च. They made false blasphemous videos. So जिसने बनाई है, उसने blasphemy की है. This is not about blasphemy itself. It's just about bringing down a movement. नहीं, और उन्होंने डबिंग जो की है उस वीडियो में, या जो भी किया उसमें सबटाइटलिंग लगाई है, तो दैट्स एक्चुअली ब्लास्फेमस. व्हाट वाज सेड एट द मार्च वाज नॉट ब्लास्फेमस एट ऑल, इट वाज वेरी इनोसेंट. सो या, बट यू आर राइट, इट्स अ टूल, और इट्स द इजीएस्ट ट्रिक इन द बुक. तो ये इन्फ्लुएंसर कल्चर में तो हमें नजर आ रहा है अटेंशन इकॉनमी, एवरीबॉडी वांट्स अटेंशन. And maybe we grew up with Facebook. Like, मैंने भी अपना पेज 2012 में बनाया था. We've seen this happen a little. उसका एक साइड वो ये भी था, अभी मैं सटल करी डेटिंग में सजीर पोस्टेड माई प्रोफाइल एंड बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे. I was very happy. I was like, oh my God, यार मुझे तो सिर्फ लगता था कि हेट मिलती है, बहुत ज्यादा लव मिल रहा था. पर नीचे किसी ने कॉमेंट कर दिया, डोंट डेट हिम, ही इज अनफनी. अब बंदा सोचे, तुझे मैं अगर अनफनी लगता हूँ, ठीक है. You just spent like 5 seconds of your day writing that. But why should nobody date me if I'm unfunny, यार? मतलब इसमें क्या जा रहा है? मतलब चलो, अगर आपको कोई problematic लगता है, कोई उसका मसला है, फिर भी जायज आता है. अगर तुम्हें मैं unfunny लगता हूँ, why should I die single? Why should I just like die single because of that? Yeah. But it's just like इसको attention क्यों मिल रही? तो अब अगर positive attention भी मिलती है ना, I am just like I start stressing. I'm like shit. ये कोई कुछ कह देगा, कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, and it's just so debilitating. It is. So that attention economy वाली बात के capitalism we get कि यार कोई पैसे कमा रहा है, ठीक है, mango bar sponsor ले रहा है, but attention is also money now, right? So like if conversations with Kaval get a million views, do you be like, it's Kaval that's getting a million views, but it's their stories? Like, how do you grapple with that, and how do you be like, this is our platform, this is not Kaval's platform? क्या मतलब कि it's that attention, right? कि अगर 1 million views आते हैं, and it's their stories, do you get any backlash about that? Like, मैं एक side example दे दूं to get what I mean. Haya Fatima Iqbal was on the podcast, so she made that documentary Girl in the River, if you remember that. Yeah. So क्योंकि शर्मीन और हया को ऑस्कर मिल गया उस पे, पाकिस्तानियों को तो गुस्सा आना था. तो उन्होंने उसको जलील करना शुरू कर दिया कि तुम तो एक्सप्लॉइट कर रही हो, तुमने इसकी स्टोरी ली, तुमने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, अब इस लड़की का क्या होगा, तुम तो अपना नाम बना रही हो. वेयर एज दे ट्राइड हेल्पिंग दैट वुमन. खैर, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड अदर स्टोरी है. बट डू यू गेट एनी ऑफ दैट, दैट यू आर यूजिंग दी स्टोरीज टू मेक योर ब्रांड? नो, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैवंट, टच वुड. Also, I feel like there is so much focus on the guest. Like, I'll tell you, recently, the latest episode aaya La Rabe ka, they become mini celebrities of their own, right? La Rabe, uski ammi, La Rabe mujhe bata rahi thi ki they went to Aurat March. Nice. Which was a week after the episode. And she was like, so many people came, they took selfies with us. One of the girls at the Aurat March said, I'm going to pay for your coffee. तो वो आई फील लाइक, क्योंकि यार मेरी कम्युनिटी पहले से थी, पीपल नो माई इंटेंशंस, देव सीन मी ग्रो, देव सीन हाउ CWK इज इंडिविजुअली हेल्पिंग पीपल. लाइक फॉर एग्जांपल, दैट एपिसोड ऑन अ सेक्सलेस मैरिज वेयर अ वुमन टॉक्ड अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट वाज, शी वाज़न्ट एबल टू हैव सेक्स फॉर 6 years बिकॉज ऑफ अ कंडीशन. तो वो वाले एपिसोड के बाद जितने मुझे हजारों मैसेजेस आए, मुझे आज तक इतने ज्यादा मैसेजेस में नहीं आए. लोग कॉमेंट्स तो आते ही हैं, मैसेजेस नहीं आए कि लोग, लड़कियां मुझे लिख रही थी कि यार ये मसला मुझे भी था, लेकिन मुझे लगता था कि किसी और को नहीं होता. एक लड़की ने कहा कि मैं, मेरे हस्बैंड 3 साल से वी गोइंग थ्रू द सेम थिंग, एंड यू नो वी हैड स्टार्टेड टू थिंक कि वी आर नेवर गोइंग टू हैव अ नॉर्मल यू नो सेक्स लाइफ, वी आर नेवर गोइंग टू हैव अ नॉर्मल मैरिज. तो आपके एपिसोड देखने के बाद आई एम बुकिंग यू नो एन अपॉइंटमेंट, कैन यू रेकमेंड अ डॉक्टर फॉर मी हु कैन गेट मी चेक्ड आउट एंड स्टफ. तो वो देयर इज, आई थिंक Alhamdulillah, there is goodwill. There's a lot of goodwill around the show, and that's just it didn't happen because I had to do some effort for it. I think it's just the way the show was presented and the way things happened. Ho sakta hai ki agar kisi ko koi bahut bada award mil jaye like Oscar ya kuch, to usme foreign insecurities nikal aa jati hai. Lekin CWK to bechara sa ye side pe YouTube pe chal raha hai,
This is what I mean by debilitating. I know you phrased it like that, but in your heart, I can see you were thinking, Allah na kare isko koi award mile. Allah na kare isko koi award mile. Aisa ho jata hai. You're right. I mean, Riz Ahmed won, right? An Oscar. So abhi nominated. Yeah. Sorry? No, he got nominated. He got nominated or yeah, he won? Nahi, abhi to Oscars nahi hua na. Abhi nominate hua, I think. See, I'm so bad with current affairs. I am also bad with current affairs, but I'm good with Riz Ahmed. I see Riz Ahmed's face and I'm like, I will read the entire article, Riz. Don't worry. So I was reading, somebody had written, shared an article about that. Or uske niche, us article ka title tha, Pakistani gets, first Pakistani Muslim to get nominated, blah, blah, blah. Uske niche ek ladki ne likha tha ke, jab bhi koi Pakistan se bahir, koi bhi achievement किसी को मिलती है तो फॉरन पाकिस्तानी उसको पाकिस्तानी बोल देते हैं जबकि पाकिस्तान की तरफ से तो उसको कोई रिसोर्सेज कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली एंड ही इज नॉट इवन बोर्न इन पाकिस्तान हिज पेरेंट्स आर पाकिस्तानी तो हम क्यों क्रेडिट ले रहे हैं हम क्यों इसको पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोल रहे हैं राइट मैं आपको इससे मजे की न्यूज बताता हूँ मार्शाला अली को जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छाप दिया था फर्स्ट मुस्लिम टू विन टर्न्स आउट मार्शाला अली तो अहमदी है फिर बेचारे जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ हुआ उन्होंने सो यस पीपल यू नो पीपल हैड कमेंटेड इस तरह से नीचे कि हम क्यों क्रेडिट्स ले लेते हैं राइट लेकिन एट द सेम टाइम वी आर सो क्विक टू डिसमिस पीपल विद इन द कंट्री हु आर विनिंग अवार्ड्स एंड हु आर एक्चुअली जैसे वो बेचारे द वुमन यू जस्ट टोल्ड मी अबाउट इफ शी केम बैक विद एन ऑस्कर and people are still mistreating her over it that's not okay that's not cool lekin kya kar sakte hain it's jealousy it's pure jealousy I genuinely can't think of any pakistani who was internationally recognized that we love abdul salam sharmeen ubaid malala nargis mawalwala I don't know how to say her surname but yeah I can't think of any Pakistani who was internationally recognized. I'm sure agar Eidi ko bhi Nobel Prize mil jata, to inhone usse bhi nafrat karni shuru kar di. Bilkul. You know, Eidi ki agar aapne book padhi hai, that's written by Taimina Durrani. It's written so in so many parts that he was mistreated so much. He was, there were so many times in his life where he was judged for the work he did. There were so many times in his life where people accused him. Unko wo wale treatment nahi di jati thi that should have been given to a hero like him who created the biggest ambulance service in the world to privatized Toby unka I don't know what the exact thing is but biggest private ambulance ji yeah Netflix. So did he do we say that we respect our heroes or do we only remember them after they're gone like even Ali Saad Farah who just passed away and did we give him the opportunities that we should have given an athlete in this country we didn't he wasn't even sponsored for that particular trek yeah so the question is ki hum jab kisi ko wo opportunities or wo resources nahi dete lekin they get famous in some other part of the world where people are able to recognize that talent to phir we also don't have the right to further berate them or bring them down ye to I think social media ka cycle hai kal wo Riz Ahmed ka koi bayan utha lenge jisme wo खुदा ना खास एक्सेप्टेबिलिटी प्रमोट कर रहा है तो फिर लोग तू तो पाकिस्तान है ही नहीं तेरा जबकि उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है प्रॉब्ली अगर वो मूवी भी देख लें जिस मूवी के लिए वो नॉमिनेट हो रहा है उसको गालियां देना शुरू कर देंगे सो या यू आर राइट के हम जब कुछ मिल जाए तो वी वॉन्ट इट फॉर आर सेल्व इट्स नॉट लाइक वी वॉन्ट इट फॉर देम वी वॉन्ट इट फॉर आर सेल्व वी वॉन्ट टू बी लाइक देखा पाकिस्तानी जीत गया हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं इट्स के हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज थोड़ी सी जो है ना वो बेहतर हो जाती है जब हम लगता है कि यार इमरान खान देखो कैसे छाती बड़ी करके डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है वी स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट आवरसेल्व्स बिकॉज़ वही बात है कि जो हमारे ट्रॉमा है कॉलोनियलिज्म है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है हम वो कोप ही नहीं करते हमें पता ही नहीं कि हम फंडामेंटली इनसिक्योर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं एंड इवन विद ईदी का आपने जिक्र किया द इशू वाज कि वो आप जो है नॉन मुस्लिम और ये कपिल देव ने बड़ी रिसेंटली बात की कि आपने हमारी डेफिनेशन ही गैर रखी हुई है नॉन मुस्लिम इस तरह तो आप हमें डिफाइन करते हैं I saw that on Twitter, yeah. Yeah. के so it's dehumanizing again. It is absolutely right. I've started calling myself a non-Hindu. That's my new religion. I'm a non-Hindu. तो वो हाँ क्या आप बॉडीज उठाते हैं आप तो क्रिश्चियन बॉडीज उठाते हैं आप तो हिंदू बॉडीज उठाते हैं एंड देन let's not get into that but Khadim Rizvi ne to bahut hi badtameez baatein ki thi Abdul Sattar Eidi ke bare mein and
That person yeah, he also wrote that he used to get death threats. Edie used to write, yeah. He wrote in his book. So, yaar, wo yehi kehta na ki yaar, Edie ko nahi chhora, to hum to phir bhi So even when you think about the aurat maaz, right? Jo ye decency wala argument hai. Those women could have worn burqa, stood there and wrote ke domestic violence galat hai. And yehi backlash aana tha. 100%. आप देखें सोल सिस्टर्स को कितना ज्यादा लोग करते हैं. लाइक लुक एट द अमाउंट ऑफ डायरेक्टेड हेट वी हैव गॉटन ओवर द लास्ट 8 years. इफ यू जस्ट सर्च सोल सिस्टर्स ऑन फेसबुक और ऑन ट्विटर, यू विल सी द मोस्ट रिपल्सिव थिंग्स बीइंग सेड. सो मेनी स्पिन ऑफ्स बाय मेल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी. सोल ब्रदर्स आ चुके हैं, वो भी सोल ब्रदर्स जो हैं. I'm not talking about them specifically, but I'm just talking about the kind of misogyny and the kind of hate that has been targeted towards the community. And for what? हमारी तो बहुत ही वो थी comparatively, बहुत ही like, you know, we went step by step. We didn't put up we didn't put up one particular slogan that pissed people off. If we think about it that way. लेकिन जब पैसा ऑफ होना होता है तो इसी बात पे होना होता है ना कि इनकी आवाज कैसे निकली. इनको तो बोला था कि चुप करके बैठो. या एंड इवन व्हेन दे से दैट राइट कि अगर आपको चाहिए हक तो आप इस तरह मांगे. इट्स लाइक मुझे कंट्रोल दो टू डिफाइन हाउ यू वांट टू आस्क फॉर योर राइट. आई स्टिल वांट टू डिफाइन योर पैरामीटर्स कि तुम exactly. इस तरह मांगती तो मैं तुम्हें दे देता. या बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. I think Soul Sisters is शायद मर्दों को ये भी problem था कि यार हमें आने क्यों नहीं देते. बहुत से problems थे. If I start like listing the kind of problems, men have screenshotted very sensitive posts and posted it on their own groups, and उसके नीचे जो शुरू हुए हैं फिर लोगों के शोहरों को पता चल गया कि अरे इस ग्रुप पे मेरे दोस्त ने मुझे भेजा कि तुम्हारी बीवी ने ये लिखा हुआ है. यार लाइक आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिला? You ruined somebody else's life. Like she was already in so much trouble and you just made it harder for her. Ab it's getting better. More people, I think, ab jaake, like yesterday when you put up that tweet about me being on the show, many comments dekhe and I was relieved ke as such koi itna zyada targeted hate nahi tha. Lekin wo waqt bhi tha, just a few months ago even, ke a global newspaper had written something about me, an article. अब वो फेसबुक पे एक लोकल न्यूज़पेपर ने अपने वॉल पे शेयर किया, उसके नीचे 400 कमेंट्स हैं और वो 400 कमेंट्स थे मोस्टली मेन एंड देयर सो हेटफुल. आई डोंट इवन नो हु दोज मेन आर. एंड वो ही वाली बात थी ना, फॉरेन फंडेड यहूदी ब्ला 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 ब्ला, औरतों को बागी करने वाली, पिछले 8 साल से ये काम कर रही है कि औरतों की, पता नहीं, औरतों को बदतमीज बना रही है. लाइक एंड जस्ट रियली रियली हेटफुल एंड डिस्कस्टिंग थिंग्स एज वेल. सो वही बात है ना कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस का आपने जिक्र किया, अगर मर्दों को गुस्सा आता है, उनको इस बात पे गुस्सा नहीं आता कि इस मर्द ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उनको इस बात पे गुस्सा आता है कि ये औरत ने बोला कैसे यार. और हम एक सोसाइटी में भी तो यही सिखाया जाता है कि डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक. यस, ये बात तो मुझे बहुत बोली जाती है. ये तो मेरी लाइक अम्मी को भी अक्सर लोगों ने रोक रोक के बोला है कि प्लीज जरा अपनी बेटी को संभाला करें ना, वो क्या क्या लड़कियां लगा देती हैं उसके ग्रुप पे. क्योंकि उन औरतों को शायद ये भी मसला और होगा कि अब कल को मेरी बहू आएगी तो फिर वो भी लगाएगी पोस्ट सोल सिस्टर पे, तो मैं फंस जाऊंगी तभी से जरा टाइट करवाऊं कवल को. इट्स द सेम जो औरत मार्च को बैकलैश आ रहा है, आई थिंक इट्स द सेम बैकलैश दैट यू आर गेटिंग कि यार ये चीजें होती रहें और खामोशी रहे इन चीजों के बारे में. And the sad truth is ke some of the times, like over the last 8 years, I have had to be very alone to cope with it. The worst things have happened aur mere paas koi support system nahi tha, neither like online or offline. Though it was just my husband, but you need that kind of support to get you through. Agar for example kisi ne koi fake profiles banayi hui hain. एक मुझे याद है कि एक बंदे ने एक आई वाज इन अ स्पेसिफिक टेलीविजन कमर्शियल, दैट वाज द फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाज इन अ टेलीविजन कमर्शियल, एंड समवन एल्स मेड अ फेक वीडियो एंड दे पुट टू थिंग्स टुगेदर एंड दे ब्लू इट कंप्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन. और उसके नीचे मुझे फॉर वन वीक आई वाज हरास्ड एंड आई वाज मिसट्रीटेड सो मच कि व्हेन आई वाज सो यंग माय सेल्फ, दिस वाज लाइक 4 years ago,
मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है. देर वॉज नो बडी, देर वॉज नो रिसोर्स ऑनलाइन, देर वॉज नो स्पेस. मैंने लोगों के लिए तो सेफ स्पेस बना दी थी सोल सिस्टर्स, लेकिन मेरे अपने लिए कोई सेफ स्पेस नहीं थी. सो या दीज आर क्वेश्चंस दैट वी शुड ऑल बी आस्किंग आवरसेल्व्स. Who cleans the vacuum cleaner? Who cleans the vacuum cleaner? Yeah. Are you seeing a therapist? Because you should. I did for a while, like, again, there's a cost associated with seeing a therapist, right? And to be able to bear those costs is also quite difficult. But yes, I try my best and I do seek therapy from time to time. Yeah, I think everybody should seek therapy. Mujhe bhi aksar log as a insult use karte hain. You are mentally ill, you should seek therapy. I'm like, yes, you're right. That's not an insult. Oh, this is that's true. Not even an insult. Right back at you, man. You should too. It's almost like eating food, right? Yeah, you need it to get through the day. It nourishes your body. So does therapy nourishes your soul. It's also, I don't know if this is true for you, लेकिन it's I've realized this has become true for me कि मैं ले लेता हूँ दिल पे चीजें. तो अगर किसी ने कभी कोई अपनी hatefulness में कोई बात भी कर दी है, वो कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में रह जाती है. Yeah. And I've given too much real estate to these negative voices in my head. अगर वो मैं therapist या किसी अच्छे दोस्त के साथ untangle ना करूँ, तो वो snowball करती रहती हैं. वो एक thought से 10 thought निकलते रहते हैं. It's a very narrow jump from your unfunny to you don't deserve to live. In my head, ये मेरा इतना बिल्कुल no, this I can I hear you and I feel like मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है and some people are more vulnerable and more sensitive than others. A lot of people can take a lot of जैसे हमारी ना clubhouse person बात हो रही थी, I was talking to a few creators and they were like, oh हाँ मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, like it's okay. झूठ बोलते हैं मुझे लगता है झूठ बोलते हैं. हो सकता है, but with me, yes, people live rent free in my head if they've even passed one negative comment. मुझे बहुत affect करता है, and also because maybe we've been doing this for such a long time कि we've kind of come to like the boiling point now. If I was like a year old into this, तो शायद मुझे कम affect करती हैं चीजें. But that plus all the emotional burden and the emotional labor that I already have to do, वो सब मिला जुला के ना फिर कभी कभार एक बहुत ही ugly picture हो जाती है. Do you also feel like, अब ये थोड़ी बूमर बात है कि A, we didn't grow up with this as much, कि अब जो बच्चे हैं they understand, right? Even अगर 18 साल का इंसान है, they understand the language, yeah. Which maybe हम बात सही कर रहे होते हैं, but exactly नहीं हमें पता होता कि ये किस तरह की जाए. And yeah, because we know when a path is carved out, it's so much easier to follow on it rather than shoveling things out of the way. So yes, there has been a certain culture that's now been created online, but a lot of us had to bear the brunt of it for it to be, you know, a little bit cleaner for the new kids. And again, let's say people 10 years younger than us have grown up with, you know, the first with Facebook. Humne to Facebook tab use kiya tha when we were in college or when we were in high school. It was the cool thing to do. Orkut se hum Facebook aa gaye. Exactly. To hamare samne hi sari cheeze bani thi 2007 mein. I remember I joined and I was in A levels. So yeah, hamare we had to see the ups and downs of the industry. Ab jo log is industry mein grow kar rahe hain, a lot of them have, you know, things much easier. Of course, unke apne challenges hain, lekin wo wale challenges nahi hai jo shayad hume bear karne pade. And it's not like people see that necessarily, right? Just na stand up comedy hai, maine jab shuru ki thi is mulk mein. Yes, Sadha, Arun, Sami Shah were doing these big PSEC shows, but chote mote venues, open mics, bilkul kabhi bhi nahi hote the. So the fact that people can now call Mad School or T2F and book a stand up comedy show, it's because we've done hundreds of them and shown people ki yaar ye ek cheez ho sakti hai. तो अगर कोई फोन करता है मैड स्कूल और बोलता है हम कॉमेडी शो कर रहे हैं, मैड स्कूल बोलता है हाँ आप कर लें, हम टिकट स्प्लिट कर लेंगे, पीपल डोंट नेसेसरली बी लाइक ओ थैंक यू शहजाद एंड अकबर फॉर डूइंग दिस फॉर 5 years. दे डोंट नेसेसरली मेक दैट कनेक्शन, बट वो लेबर रखना पड़ा था ना सारा टू गेट देयर. एंड इट्स नॉट लाइक के मुझे कोई क्रेडिट चाहिए, इट्स जस्ट के समटाइम्स पीपल ट्राई टू कट यू डाउन अ लॉट एंड देन यूर लाइक आई हैव गिवन यू एवरीथिंग. I've like piece of my soul went into these struggles. So
How do you... That must be very hurtful. And like you just said, you had to struggle for 5 years to create a culture and to create a market that other people are able to benefit from. And this is exactly what we were talking about earlier, that when जिस मुल्क में आपको ना रिसोर्सेज मिल रही है ना अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वहाँ एटलीस्ट अप्रिसिएशन तो दे दें. एटलीस्ट रिमेंबर द पीपल हु क्रिएटेड थिंग्स, रिमेंबर द पीपल हु स्टार्टेड इनिशिएटिव्स. उनको भूल तो ना जाए, उनको पीछे तो ना छोड़ दें. डोंट डिसरिगार्ड देम एंड डोंट डिसरिस्पेक्ट देम. यू नो अ लॉट ऑफ टेलीविजन एक्टर्स ऑल्सो, सम ऑफ देम आई रीड अबाउट देम एंड they've been completely left to their own devices. Some of them, I don't know, I remember a while back, I think Anna College in mein se one of the people. Azad Kaiser, hopefully will come on the podcast soon. Ji. Yeah. I feel so sad hearing that, you know, what you had to go through, and that's not okay. If you were in any other place, maybe if you were in Canada, you would have some sort of rewards or awards even under your belt, even if they're just there for show. There at least something, right? At least somebody remembers you and someone gave you credit when it was due. But so, I think that when you do it for the work, you realize, yaar, are there 100 stand-up comedians now in Karachi? Yeah. Kuch to kiya hai na, kuch to kaam aaya hai ye cheez ke ek puri community uski ban gayi hai. Mujhe bas wohi masla hota hai ki when you try and cut others down, wo crab mentality, ki yaar, we can work together. Collaboration is the way to go. ये वाली साइड हमने पूरी डिस्कस कर ली है, बट हाउ डू यू कंटेंड दिस विद द फ्लिप साइड? आई थिंक मे बी यू आर अ मच नाइसर पर्सन देन आई, बट आई एम ऑल्सो लाइक एज अ कमेडियन मेरी इंस्टिंक्ट कभी कभी मीन भी हो जाती है, राइट? अगर खलील रहमान कोई बात करेगा, आई हैव नो क्वॉम्स अबाउट यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट दैट पर्सन. लाइक आई एम नॉट थिंकिंग खलील रहमान's मेंटल हेल्थ व्हेन आई एम मेकिंग कॉन्टेंट अबाउट हिम. तो हाउ डू यू कंटेंड विद these experiences? Because aajkal main ye soch raha hu ki ye to mere experiences hain, and I realize what happens to me, but Khalil ur Rahman, Waqar Zaka, agar ye koi baatein kare, I will have no issues making a roast video against them. So if you are like accountability culture, almost like if you're going out and asking for accountability for something, how do you do it in a way that it's still empathetic? So I think it's because my work is so different from yours. Yeah. I don't have the same conflict. When I do write about things, like for example, agar mujhe koi drama hai jo acha nahi laga, ya there's a television host that I feel ki usne galat kaam kiya apne show pe, to main uske kaam ki baat karti hu. I don't target them as people. I talk about the work and I talk about the impact. So for example, I remember a while back, one of the television hosts, she'd called a 16-year-old girl on stage, usko whitening injections lagaye the dikhane ke liye ki iski shaadi ho rahi hai to hum usko wo karenge. So I spoke about how problematic that is and how you know, it really is going to ruin not just the girl's life, but also it's unsafe health-wise. The kind of message it's giving to millions of people out there is absolutely crap. Maine ye nahi kiya ki maine us जो होस्ट थी, मैंने उसकी फैमिली को या उसके कपड़ों को या उसकी शक्ल को बैश नहीं किया. मैंने उसको गालियां नहीं दी. उसको मैंने ये नहीं कहा कि यार इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, ये तो है ही बदतमीज. आई टॉक्ड अबाउट द कंटेंट एंड आई बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर कि ह्यूमन, वी आर ऑल ह्यूमंस, राइट? इवन दो this was deliberate content, it was not a mistake, and she's probably going to do it 10 more times if she gets 10 more 16-year-olds to inject whitening injections too. Lekin hame issue ko tackle karne hai, warna hum derail ho jayenge. Hum jis cheez ke bare mein baat karna cha rahe hain, wo baat phir kisi aur us pe nikal jayegi, uski shakal ke upar ho jayegi ya uske kapdon pe ho jayegi. Hame sirf is bare mein baat karni hai ki aisa content nahi aana chahiye TV pe. To main is tarah se koshish karti hu ki I try to stick to ke mujhe end result kya chahiye, mujhe end mein what is the takeaway that I want my viewers to go home with. So make fun of what they do, not who they are. Ye comedy mantra hai jo main bar bar repeat karta rehta hu. Also offend the right people, figure out who you're offending. If you're offending Khalil ur Rahman, Kamar and incels, then you're doing a good job. Offend honge log, aap jo kuch bhi duniya mein kar le offend honge. Kisi ne ek bada behtareen sawal pucha tha, and I think मुझे भी उससे पूछना पड़ा कि इसको जरा अनपैक करके सिंपल जमान में समझाएं. कुछ मुझे समझ नहीं आया. कुछ जो उन्होंने फ्रेज की थी वो ये किया था, डू यू फील लाइक वॉइस इज रेलेवेंट विदाउट सिविक एंगेजमेंट? लाइक जरा आसान जबान में समझा दें. हां प्लीज. तो वो अच्छा नहीं, सवाल अच्छा था कि एंड
I mean, I also do a lot of awareness, and I think awareness in of itself is a great thing. But do you feel ke agar sirf cheezon ke bare mein baat ki ja rahi hai and it's not coupled with work and engagement, is it still a good in of itself? Bahut acha sawal hai. Yes, absolutely. You know, some in our society, specifically with Soul Sisters, what I felt was needed was to break the culture of silence around so many issues for women. जब शुरू में हमने जिन चीजों के बारे में बात करना शुरू की, तब तो कोई भी उन चीजों के बारे में आवाज नहीं उठा रहा था. डोमेस्टिक वायलेंस फॉर एग्जाम्पल, 2014 में भी हमारे पास पोस्ट हैं जहां लड़कियां शेयर कर रही थी एनोनिमसली कि मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं. तो वो बारे में क्यों कोई बात नहीं कर रहा था? और अगर हम उस वक्त सिर्फ ये सोचते कि नहीं, मुझे इसके घर के बाहर डंडा लेके पहुंचना है या मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, इसके हस्बैंड की रिपोर्ट लगवाना है, तो मैं कभी भी उसका इशू रिजॉल्व नहीं कर पाती. उसका इशू रिजॉल्व हुआ ओनली थ्रू द पावर ऑफ वॉइस एंड कॉन्वर्सेशन, कंटिन्यूसली हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस, कंटिन्यूसली टेलिंग वुमेन के you know, this is what you need to do. Sometimes, you know, a lot of people cannot even take instant action. This will be, again, I'm going to go back to CWK's latest episode, Larabe's mother. She left her marriage with domestic violence after 13 or 14 years. And she did it strategically. Unko pata tha ki main aaj bag utha ke teen bacche leke apne maa ke ghar nahi ja sakti, kyunki meri maa ne kaha tum neti jeti ke pul se chhalang laga lo, agar tum wapas ghar aaogi to tum ye kaam karo, hame nahi chahiye ho tum. You're either dead or you're with your husband. So she strategized. She built a route for herself and she got out through that route. Usne financially or jo usko karna tha usne karke phir wo bhag gayi. Similarly, a lot of women need that. They need counseling. They need the support. They need to know. Jaise ek ladki thi kuch time pehle, which a story I like to repeat quite often. Ke usne ek din bas randomly post kiya ke I go through emotional abuse in my marriage, lekin main pregnant hu. और अगर मैं अपने शोहर को छोड़ दूंगी तो विल आई बी एबल टू बी अ सिंगल मदर. उसने सिर्फ ये सवाल पूछा और हजारों लोगों ने कमेंट्स छोड़ दिए कि मैं भी सिंगल मदर हूँ, मेरी अम्मी सिंगल मदर थी, मेरी खाला सिंगल मदर हैं, हम सब बहुत खुश हैं, वी आई हैव ग्रोन अप विद नो इश्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. दो लड़कियों ने कहा कि तुम्हें अगर फाइनेंशियली मसला है तो हम तुम्हें फौरन हाथ के हाथ जॉब दे देंगे, तुम क्यों फिक्र कर रही हो, तुम बस छोड़ दो उस आदमी को, हम सपोर्ट करेंगे. दिस इज ऑल हैपनिंग थ्रू अ कॉन्वर्सेशन. इसमें हमें ना तो किसी लीगल हेल्प को बुलाने की जरूरत पड़ी है, ना हमें कहीं डंडे लेके पहुंचने की जरूरत पड़ी है. सो वी फॉरगेट कि वॉइस होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर. जस्ट टेलिंग समबडी कि आई एम हियर फॉर यू और आई एम लिसनिंग टू यू होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर. समटाइम्स वुमेन जस्ट कम ऑन द ग्रुप कि कोई हमारी बात सुन ले, कोई हमारे पोस्ट पर हजार लाइक्स कर दे, हमारा दिन, हमारा पूरा हफ्ता निकल जाएगा. सो वो एकेडमिकली पूछा था. जब ये इस तरह आता है कि वाई डोंट यू डू समथिंग, दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ बैड प्लेस. क्योंकि भाई अगर आप बात करोगे तो कोई और कुछ करेगा ना. अगर फॉर इंस्टेंस हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ये सवाल पूछता है क्या राइट्स चाहिए औरतों को, कुछ जानबूझ के पूछते हैं साइलेंस करने के लिए, बट कुछ मर्द आई वुडंट बी सरप्राइज हु जेन्युइनली थिंक दैट वुमेन हैव इट मेड. इससे बेहतर तो औरतों की जिंदगी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती. इनको राइट्स चाहिए, वेट व्हाट, हम इनके टायर तो बदल देते हैं, इनको क्या राइट्स चाहिए, इनको क्या राइट्स चाहिए, हम तो लाइन में इनको नहीं आने देते. क्यों नहीं आने देते? क्योंकि हमें पता है और मर्द लाइन में इनको हरास करेंगे और असॉल्ट करेंगे, तो उसको हम प्रिविलेज समझते हैं कि देखें क्योंकि हम मर्द हैं, हमसे तो रहा ही नहीं जाएगा. अगर आप औरत एक लाइन में खड़ी हो जाए हम तो फिर छोड़ेंगे नहीं उसको, इसलिए हम उसको लाइन में नहीं आने देते, विच इज कंसिडर्ड अ प्रिविलेज फॉर वुमेन. सो इन लोगों को बताना, राइट, इवन मी हु आई कंसिडर पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है, जब मुझे पता चली है, मैंने स्टोरीज पढ़ी अपनी यूनिवर्सिटी की बैक इन 2016, आई एम लाइक वेट व्हाट, आई वेंट टू द सेम यूनिवर्सिटी, ये कहाँ हो रहा था? लाइक व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी और मुझे कोई बाहर से आके कहता है कि यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, आई एम लाइक यार ये लम्स के बारे में चीजें कही जाती हैं, बकवास होता है. रेड एक्चुअल अकाउंट्स, आई वाज लाइक व्हाट यूनिवर्सिटी डिड आई गो टू अगर ये मेरी यूनिवर्सिटी में हो रहा था. So once people find out कि यार ये इतना prevalent है, या घर पे लोग बैठ के बात कर लें, अपनी फैमिली से बात कर लें, या if your conversations help, right? If somebody sees conversation with couple, they sit down with their family and their mothers and their sisters are like, yeah, me too, हमारे साथ भी हुआ है.
maybe then you'll see an actual grassroots movement. Aur wo phir log karenge na. You don't need to do everything. You need to do it. Bilkul. Aur wo na ke, how you said that people watch it with their families. They do. People even share pictures watching it with their sons, with their teenage sons. Nice. Sons send me pictures, like boys send me pictures of watching it with their sisters and their moms. And it's great because they can't, jo conversations ye log dinner table pe pehle start nahin kar paate the, up through the show, they're able to ease those topics into their house. जिसे उनको पता ही नहीं था कि यार मेरी बहन के साथ ये इश्यूज भी हो सकते हैं. आई रिमेंबर अ वेरी क्यूट कमेंट लेफ्ट इन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सीजंस वेयर अ गाय रोट के अ कपल थैंक्स टू योर शो आई फील लाइक माय सिस्टर्स विल ग्रो अप इन अ सेफर वर्ल्ड. एंड आई फेल लाइक दैट वाज सच अ हार्टफेल्ट कमेंट क्योंकि वो उसको शायद मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हुआ था कि मैं भी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड आई मेक द वर्ल्ड सेफर फॉर समवन एल्स. सो you know, my sister can like someone else makes the world safer for the women I care about. So I mean, it's just, I think like it's just a cycle. What's your take on men in general, but also in terms of ke the most terrible things, theek hai ji, assault, harassment, set those aside, but in terms of just being sexist, every man in the world and especially in Pakistan has been sexist. Yeah. Every single person, whether knowingly, consciously, unconsciously, and a lot of women as well, right? Like even racist, wo kuch cheezein aapko pata bhi nahi hota racist hain. How do we talk to these people? And ek wo bhi criticism aata hai ki bahut demonize kiya jata hai. Aap inko bhi to samjhe na, mard bhi kitni pyari cheez hai, inko bhi to samjhe. Where do you stand on that debate? I stand on the side where I feel like my job is only to educate and keep at it. And that's why I'm continuing to do the show. Ke main kisi na kisi tarike se ek humanized aur ek soft form mein I can put my point of view out there. That's actually why CWK took the approach of telling these issues through stories. Because I feel like when someone tells it as their story, you can't have a debate about it. It's their lived experience, right? Ab agar main theoretically ek bare mein baat kar rahi hu, kisi cheez ke bare mein baat kar rahi hu, like for example sexual assault, to usme bahut se log aa jayenge apni apni raaye jhaadne. Lekin jab ek person baith ke bata rahe ki yaar ye mere saath hua tha, to wo instantly hum soften kar dete hain us issue ko. And then you look at it from a very human lens. So I think mera yahi hoga ki main, I mean, I have no opinions about men in general. I don't have a good opinion about men on a show that's going to be watched by so many people. But it's okay. We're not worth much at this point. Main apni zaat ko dekhta hu and I'm like, हमारे बारे में ना ही ओपिनियन तो बेहतर है. हम कुछ ज्यादा ओपिनियन मेरे पास कोई ऑनेस्टली वैसे मेरे पास कोई ओपिनियन नहीं है. आई जस्ट फील लाइक कि हम एज ह्यूमंस वी आर ऑल इवॉल्विंग, वी आर लर्निंग एंड अनलर्निंग. हर जेंडर में ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली दे वांट टू रिफ्लेक्ट एंड दे वांट टू लर्न एंड देन अनलर्न द इश्यूज. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप उनको जितनी भी मेहनत करते हैं दिल पे लाइक है, अच्छा नहीं ये हो ही नहीं सकता, आप गलत कह रही हैं, आप प्लीज जाएं यहां से. Yeah. And I think that's why I talk to men a lot because I feel like ye bhi hum emotional labor auraton pe dal dete hain. Aap inko bhi to socha na, inse bhi to baat kare, ye jo hai inko bhi to samjhaye, hum kya kar rahe hain, hum baat kar le na, hum aur ladkon se baat kar le, hum inko samjha de, zaruri hai ki sara labor ye log hi kare, sara hum hi kaam kare. Haan, so in terms of learning, unlearning, I mean ye bhi to ek masla hai na, because we've been online and in the public space for so long, mistakes have been made. तो ये काफी लोगों ने मुझे बोला एंड आई डोंट नो अगर ये रूमर है तो मैंने सोचा मैं डायरेक्ट ही पूछ लूं आपसे. पीपल आल्सो सेड दैट सोल सिस्टर्स यूज्ड टू बी ट्रांस एक्सक्लूजनरी, इज दैट ट्रू और इज दैट वन ऑफ दोज प्रोपेगेंडास? नो डूड, सम ऑफ आवर क्या नाम है, अ लॉट ऑफ द ट्रांस वुमेन आर ऑन आवर कम्युनिटी, वन ऑफ आवर अर्लीस्ट मेंबर्स, दे आर जस्ट साइलेंट बिकॉज़ दे टुक देयर टाइम टू स्टार्ट यू नो वॉइसिंग देयर स्टोरीज. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड इनसे बोलो ना कि ऐसी कहाँ बात हुई है, कहाँ ऐसा कौन सा पोस्ट है जो उनको याद है, या ऐसी कौन सी स्टोरी है जहाँ पे, या कहीं एडमिन्स की तरफ से कोई ऐसी चीज लिखी हुई हो कि भाई नहीं, वी ओनली लाइक केटर टू वन सेगमेंट. नो, नेवर. इन फैक्ट आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिटी सेज सोल सिस्टर्स इज अ कम्युनिटी फॉर ऑल दोज हु आइडेंटिफाई एज वुमेन. Beautiful. So being one of the few communities that is so inclusive, wo bhi Pakistan mein, jahan, you know, this isn't a term that is very commonly used. So
I mean, हमने तो कोशिश की है, अब जिसको जो सोचना है सोचे. हाँ, for the record, people who said it at least didn't appear trans. I don't know actually उनकी identity क्या है. So it's not coming it's from the obviously not engaged with. It's not coming from people. The community itself. Again, if it was, I would have taken it a little more seriously. Yeah, like Maya, who was in my latest episode on CWP, she's a very old member of the group and a very active participating member. So Maya found friends within Soul Sisters, right? She found a community of people who cared about her. So why is she still on the group? Agar, or her or other people from the trans community, they're all using the group and they all actively engage. Jo mil jaye logo ko, I think people just need to stick to beat something yeah. with. We've taken up a lot of your time and I can tell ke aap aur mujhe dono ko neend aa rahi hai at this point. Main ek aakhri sawal puchna chahunga, since you said ye sawal mujhse kisi aur ne nahi pucha, main ek aur sawal soch raha tha jo aapse kisi aur ne nahi pucha hoga. Has Soul Sisters made you a better mother? Because I feel like being that Soul Sisters admin, you've dealt with so many issues which will serve you so well in life now. Definitely, ये बात तो है कि मैंने बहुत अगर मैं मेरे पास Soul Sisters नहीं होता तो I would have never been able to look beyond the lens that I had been served with. जिस तरह से I had been raised, I would have probably raised my daughter the same way. But because of Soul Sisters, it's really opened my eyes about parenting and about how the kind of values and the kind of opportunities I want to give my daughter. Beautiful. Thank you so much, Kaval, for this conversation with Kaval, which was Thank absolutely you. Beautiful. I hope aapke account mein 15 lakh since we've started talking, 5 lakh rupees badh gaye. Aapne show lamba khench liya na. How extra uske ho jayenge. No, thank you so much for Over giving time. Your time. And I also realize ke why you're coy about speaking about these things very often, because I see that it takes a toll. I mean, this conversation, I can see on both of us, it did take a toll, and a lot of times people feel but like, but wohi na log samajhte nahi hai ki aap baith ke baat hi to kar rahe hain. You realize अंदर से सारी मतलब मैं मेरा वजूद जो है ना वो खत्म हो जाता है इस कॉन्वर्सेशन के बाद. Because it's not easy to share things that have hurt you. It's not easy to share things that you felt over decades, and it's draining. So for you to come out and have these conversations and talk about these things, it's a lot of labor, and I salute you for all the labor that you do. Thank you so much, Kaval, for joining us, and thank you everybody. Aap kuch dena chahenge com ko message jaate jaate? अभी दे दिए इतने मैसेजेस तो दे दिए. कोई इंस्पिरेशनल कोट नहीं, आई वुड जस्ट से यार गिव पीपल अ चांस, यू नो, गिव देम अ चांस, एंड स्पेशली इफ यू जस्ट सी देम ऑन स्क्रीन, डोंट बेस योर एंटायर परसेप्शन ऑफ देम बेस्ड ऑन व्हाट योर द फ्यू वर्ड्स दैट दे पुट आउट देयर. या एंड जस्ट टॉक टू पीपल यार, जेन्युइनली व्हेन यू टॉक टू पीपल यू रियलाइज कि ये तो इंसान है, दे आर नॉट जस्ट एन आइडिया ऑफ दैट पर्सन दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर हेड. So thank you, Kaval. Thank you for clarifying a lot of misconceptions, and thank you for all the work that you do. And thank you everybody for listening. Take care. Bye-bye.